Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. एक दो तीन तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जब वहां जाके बैठो। नहीं मैं यहाँ बैठूंगा। ओहो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस घर का उसूल है कि सब अपनी अपनी उम्र के हिसाब से बैठते हैं। पहले पे बड़े भैया, दूसरे पे विजय भैया, तीसरे पे मैं, चौथे पे सुजाता और पांचवे पे तुम। मिस्टर कृष्णा वहां जाके बैठिए। नहीं मैं यहाँ बैठूंगा। मैं यहाँ बैठूंगा बोलने से नहीं चलेगा, उठो। फिर पंखे के पीछे पड़ गए, तुम्हें मालूम है वो नहीं चलेगा, जाकर अपनी जगह पर बैठो। भाभी इस पंखे का दिमाग खराब लगता है, ना मरम्मत करने से चलता है, ना ये बिजली से चलता है, ये सिर्फ आदमी देखकर चलता है, जाकर बैठो। बैठो। ओफो, खाते वक्त किताब नहीं पढ़ते। भाभी तुमने और भैया ने दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ा है, आप अच्छा रिजल्ट तो लाना चाहिए। कहीं डॉक्टरी में सेकंड क्लास में पास हुआ तो तुम लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुंह नहीं तो सर दिखा देना। मैं सुबह शाम तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तुम सेकंड क्लास कैसे आओगे? फर्स्ट क्लास आओगे, फर्स्ट क्लास। प्रॉमिस भाभी। प्रॉमिस। जाकर बैठो अपनी जगह पर। भाभी तुमने मेरी चटनी नहीं बनाई। तुम्हारी चटनी कैसे विजय चाचा? क्या तुम कह रही हो? मेरा मतलब अदरक की चटनी। और इतना सा होकर ऐसी बातें करते हो? उफो, मैं चटनी लाती हूँ अभी, जाकर बैठो। एक छे नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर ही दिखाने आए। अच्छा बहुत बोल रहा है, हा? अब आना मेरे पास चॉकलेट ले, आना। सॉरी, मैं देखता हूँ तुम्हारी सॉरी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। अरे सब हंस क्यों रहे? ओह ये पंखा, लगता है पिछले जन्म में ये मेरा जुड़वा भाई था, उसे बहुत प्यार करता है, बस मुझे देखते ही चल पड़ता। चलो शुरू। अरे आया भाई, आया आया रहीम। वाह 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 वाह, माशाल्लाह क्या अदा है बेनियाजी है। लगता है नवाब वाजिद अली शाह दीवाने खास से निकलकर चहलकदमी को जा रहे हैं। अरे भैया ओह ओ, 10 बज गए मियाँ। अरे भाई क्या करूं, तुम्हारी भाभी देर कर देती है। ओहो भाभी, भाभी आप इतनी देर क्यों कर देती हैं? अब मैं क्या करूं? सबके लिए खाना बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, रवि विजय को कॉलेज भेजना, फिर इनको तैयार करना। अब विष्णु भगवान की तरह चार हाथ हैं तो नहीं मेरे? बिल्कुल सच है, कोई चार हाथ थोड़ा ही भाभी के। हाँ मका बदनाम करते हो यार तुमने। रहीम फिर तुमने दोनों की तरफदारी शुरू कर दी। क्या करो यार, तुम्हारी तरफदारी करता हूँ तो भाभी नाराज हो जाती है, और खुदा की कसम अगर मैं मर भी जाऊँ तो भाभी को नाराज नहीं कर सकता। मतलब मुझे कर सकते हो? अरे अपनी दोस्ती तो एक चट्टान की तरह है दोस्त, नाराजगी की ये मामूली मामूली मौजें आकर उसे टकराएं भी तो पाश पाश होकर चली जाएंगी।
और मेरी परवरदिगार से ये दुआ है कि हमारी दोस्ती की ये चट्टान इसी तरह कयामत तक सही सलामत रहे। ये लो रहीम भैया, तुम दोनों का दोपहर का खाना खा लेना। शुक्रिया। सुनो, कल दोपहर को खाना क्यों नहीं खाया? भाभी वो क्या है कि भूख नहीं थी। भूख लगेगी कैसे, छुप छुप कर शराब पियोगे तो तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? कहा भाभी, जिस दिन आपने मुझे डांट 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 कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया था, उस दिन के बाद मैंने शराब को छुआ तक नहीं। अरे शराब पीना तो दूर की बात, मैं शराबियों के मैयत में भी नहीं जाता। अरे हाँ भाभी, हमारे वो चंगू मंगू कहाँ हैं? अरे आओ 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 मेरे खिलौनो, मेरे जिगर के टुकड़ो। देखो भाई, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए प्यार का, आगे नहीं बढ़ेगी वरना। मजा आ गया, अब ये गाड़ी जंबो जेट बन गई। चलो चलो। अच्छा भाभी आ जा। भाभी कॉलेज जा रहा हूँ। समझ गई, ये लो। भाभी 2 रुपए में कुछ नहीं होगा, 2 रुपए और। रवि कॉलेज जाने के लिए बस से 2 रुपए लगते हैं, 4 रुपए किस लिए ले रहे हो? अरे तुम्हारा किराया भी तो मुझे ही देना है लाइब्रेरी जाने का। हाँ, किराया लाइब्रेरी, करेक्ट। थैंक यू भाभी। Thank you.
सुजाता? सुजाता? क्या हुआ, क्यों चीखी? कोई ख्वाब देखा? नहीं तो? सो जा। इतनी जोर से? अच्छा बाबा, आहिस्ता आहिस्ता। पड़ती है कहे पाँव कहे पड़ता है तेरे सब की है हमको खबर अपनी खबर कुछ भी नहीं अगर दुनिया में कुछ भी नहीं तो यहाँ सब कुछ है इस जमीन के नीचे इस नीली छतरी के ऊपर अगर कहीं जन्नत है तो यहाँ है जहाँ मेरा भाई रहता है जहाँ मेरी भाभी रहती है। रहीम, तू रोज वादा करता है कि शराब नहीं पीऊंगा और रात होते ही वादा तोड़ देता है। देख प्रेम, तू तो जानता है कि वादे बनते तोड़ने के लिए। अब तू शराब पीकर ज्यादा फलसफा मत झाड़। तेरी भाभी उठ गई ना तो तेरी ऐसी हजामत करेगी कि जिंदगी भर तू हजाम के पास जा नहीं सकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी मुझे सजा दे ही नहीं सकती। सजा तो जालिम देते हैं जालिम, मेरी भाभी रहमत का फरिश्ता है कि नहीं? हाँ है। तो तेरे रहमत के फरिश्ते को मैं अभी बुलाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, आधी रात को इज्जत का फजीता करवाएगा क्या? शराब भी उतर जाएगी, इज्जत का पानी भी उतर जाएगा। तो भाग। भागो कि नहीं? अरे भाग मेरे बाप, भाग यहाँ से। आँख पड़ती है कहीं। Come on, try Ravi's boot polish. It is as smooth as your nail polish. ये मामा, ये ना एक बे। हाँ हाँ राव दे। ऐसा समकालर तो इस नारका। अरे ओम मेम साहब। क्या है? Try my boot polish. It will be smoother than your nail polish. Try it. अरे तुम इंग्लिश में बोलते हो? आपने नाम नहीं पढ़ा। देखिए, रवि बीए बूट पॉलिश वाला। अंग्रेजी स्टाइल में पॉलिश लगाता हूँ, फ्रेंच स्टाइल में ब्रश मारता हूँ, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कपड़ा फिराता हूँ, और अमेरिकन स्टाइल में भपका मारता हूँ, और जापानी स्टाइल में आपके जूते को आईने की तरह चमकाता हूँ। आइए कम ऑन। पैसे 3 रुपए 12 आने। क्या ये सब 12 आने लेते हैं? तुम 3 रुपए 12 आने क्यों लेते हो? Because a very very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। कहाँ आने वाला है? हमारे घर में। मेरा मतलब है इस शहर में। मैं समझी नहीं। आप कैसे समझेंगे? ये जरा हाई लेवल की बात है, आपकी समझ में नहीं आएगी। ओ मैम साहब, क्या है? चार आना। ओह थैंक यू। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 10, 50, 100, 2, 3. अरे मेरे नोट्स का लगता है इस कमरे में कोई शैतान, कोई चुड़ैल, कोई पलीत, कोई भूतनी है। जल तू जलाल तू, आई बला को संभाल तू। पगले आला चोर, फिर तुम मुझे डिस्टर्ब करने आला, मेरे पैसे वापस दिला। बिल्कुल नहीं। रे? अब पता चला कि तुम रोजाना पेट भर खाना क्यों नहीं खाते, आधा पेट काट कर पैसे बचाते हो। क्या करोगे इन पैसों का? पहले मुझे पैसे। हरगिज नहीं।
सारा कॉलेज कहता है कि विजय इस साल डॉक्टरी के इम्तिहान में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा और उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। तुम अगर इस तरफ भूखे रहोगे तो भेजा खाली हो जाएगा। गोल्ड मेडल तो एक तरफ, प्लास्टिक का मेडल भी नहीं मिलेगा तुमको। मुझे पैसे दे दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो यार। मगर तुम ये सब पैसे किस लिए जमा कर रहे हो? A very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है। कहाँ? हमारे घर में। मैं समझी नहीं। ये जरा हाई लेवल की बात है, तुम समझोगी भी नहीं। टैक्सी, टैक्सी। चलिए। कहाँ जाना है मैम साहब? तुम? रवि बीए बूट पॉलिश वाला टैक्सी ड्राइवर? अरे नहीं नहीं मैम साहब, हमारा नाम तो रामदीन है, रवि हमारा जुड़वा भाई है। हमारी शक्लें इतनी मिलती है कि घर वाले भी धोखा खा जाते हैं। अब देखिए ना, ड्राइवरी का परीक्षा हमने दिया और लाइसेंस उन्हें मिल गया, बीए का इम्तिहान उसने दिया और डिग्री हमका मिल गई। कोई अच्छा काम मैं करता हूँ तो शाबाशी उन्हें मिलती है, बुरा काम वो करता है और सजा हमको मिलती है। अरे एक बार तो ऐसा हुआ कि खून उसने किया और फांसी हमका लग गई। हाँ बस बस यही रोक दो। ये लो। अरे मैम साहब अब ये 5 रुपया ज्यादा छोड़ जा रही है। तुम रख लो टिप। अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम कम मेहनत का कमाई चाहिए, हराम का नहीं। अरे खुशी से दे रही हूँ, रख लो ना। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो अपने उस जुड़वा भाई को, उस हमशक्ल भाई को, उस बूट पॉलिश वाले भाई रवि को दे देना। काहे रवि पर इतनी मेहरबानी काहे? Because a very special occasion is going to come. एक बड़ा खास दिन आने वाला है इसी शहर में। हम समझा नहीं। बड़े हाई लेवल की बात है, तुम समझोगे भी नहीं। क्या बात है रहीम चाचा? अभी रहीम चाचा को फंसा दिया था ना? क्या हो रहा है विजय चाचा? विजय अरे ये क्या है, कौन रख गया? भाभी के लिए, भैया के लिए? आज कोई त्योहार है क्या? बहुत बड़ा त्योहार है। त्योहार? कौन सा त्योहार? अरे वाह रे मालिक वाह, वक्त और पेट के चक्कर में आदमी इतना बुलक्कड़ होता जाता है कि उसे इतना भी याद नहीं रहा कि आज से 10 साल पहले आग के चारों तरफ 7 चक्कर काट कर किसी को दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था। क्या मतलब? मतलब ये भैया कि आज हमारी भाभी और भैया की शादी की 10वीं सालगिरह है। Thank you.
सोए लेकर इनका नाम, भाभी को प्रणाम, भैया को प्रणाम, भाभी को प्रणाम, भैया को प्रणाम, इनको लाखों सलाम, इनको लाखों सलाम। गुड मॉर्निंग भैया। भाई मैंने सोचा सुबह सुबह अपने भाइयों के साथ चाय पी लूं तो मजा आ जाएगा, और फिर आज विजय 3 महीनों के लिए हॉस्टल भी तो जा रहा है, सोचा थोड़ी सी गपशप हो जाए। मैं अपने कप ले आता हूं। अरे नहीं नहीं भैया, ये लो आधी आधी बांट कर पी, आधी इसमें से। अरे इसमें से थोड़ा, नहीं नहीं बाबा थोड़ा। क्या हो भैया? कल तुम दोनों के तोहफे देखकर जी भर आया, पिताजी याद आ गए। तुम दोनों इतने इतने से थे जब पिताजी ने मरते समय मुझसे वचन लिया और कहा, प्रेम विजय और रवि तुम्हारे भाई नहीं तुम्हारे बेटे हैं, इन्हें अपनी औलाद की तरह पालना, पढ़ाना लिखाना, समाज में अच्छी जगह दिलाना, घर की एकता को कभी टूटने ना देना। जब तक जिंदगी रहे तमाम भाई एक ही छत के नीचे रहना, यह मकान जो हमारा स्वर्ग है, तीर्थ स्थान है, हमारा घर एक मंदिर है, इस मंदिर को कभी छोड़कर ना जाना। बस यही सपना लिए मैं आज तक जी रहा हूं। तुम्हारी घड़ी और साइकिल मेरे लिए बहुत कीमती तोहफे हैं, मगर मुझे इन सभी बड़े तोहफे चाहिए जो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। विजय, जिस दिन तुम फर्स्ट क्लास में डॉक्टरी पास करके गोल्ड मेडल लेकर आओगे, और रवि जिस दिन तुम फर्स्ट क्लास में बीए पास करोगे, उस दिन मैं समझूंगा कि जीते जी दुनिया में स्वर्ग पा लिया। इससे बड़ा तोहफा मुझे नहीं चाहिए। भैया हम आपको यह तोहफा जरूर देंगे, आपका यह सपना हम जरूर पूरा करेंगे। भैया हमसे गलती हो गई, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अपनी पढ़ाई का वक्त कभी बर्बाद नहीं करेंगे, और सारी जिंदगी एक ही मकान में एक ही छत के नीचे एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए जिंदगी गुजार देंगे। मैं तो कुछ जरूर से ज्यादा गंभीर बातें करने लग गया। अरे करना चाहिए भैया, ऐसी बातें करना चाहिए कभी कभी, टेस्ट बदलने के लिए कभी कभी आंसू भी बहाने चाहिए, वरना खाम का आंसू आंख में बेकार पड़े रहते हैं। लोग तो दुख में आंसू बहाते हैं, हम तो प्यार में खुशी में आंसू बहा रहे हैं। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है। जी इस तरफ, इस तरफ।
नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते, क्या है? वो भाई की फीस भरनी है मैनेजर साहब। तो पिछले 6 महीने से मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, पैसा उसका नहीं लिया मैंने। ओवरटाइम? फैक्ट्री नुकसान में चल रही है, ओवरटाइम कैसे मिल सकता है? नुकसान कैसे हो सकता है मैनेजर साहब, हर रोज ट्रक भर भर कर माल तैयार होकर बाहर जाते हैं, मशीनें 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं रहती। हिसाब हम जानते हैं या तुम जानते हो? लेकिन ये तो जुल्म है, नाइंसाफी है, मैं मालिक से शिकायत करूंगा। जाओ जाओ करो, मालिक तुम्हें नौकरी से निकालना दे नोटिस देकर, तो मैं मैनेजर नहीं इस कंपनी का। नोटिस? किस बात का नोटिस? क्यों निकालेंगे मालिक, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तुम यहाँ पर काम करने आए हो या हक जमाने आए हो? वो कोई और फैक्ट्री होगी जहाँ पर तुम जैसे आग लगाने वाले भड़काने वाले मजदूरों की दौड़ चलती है, यहाँ पर नहीं चलेगी। जाओ अपना काम करो, जितनी देर तुम यहाँ पर बातें करने में लगाओगे उसका 4 गुना वक्त शाम को रुक कर ओवर टाइम करना पड़ेगा। जाओ, समझे? अरे इतना वजन तो दारा सिंह पहलवान भी नहीं उठा सकता, तो हम जैसे पापड़ सिंह पहलवान पर काहे रख दिया? अबे ये कनाडा करा चलना। अरे अरे चल। अरे साहब, अरे ये मरे 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 पकड़ के अरे शराफत दिखाओ तो कमीने बिल्कुल नहीं समझते। नहीं भाई, वो लोग प्रेम को मार रहे हैं क्या? हाँ, प्रेम अधिकार मत कर, रही मारा है। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? ये धर्मदास की वो है फैक्ट्री या गुंडों का वो है अड्डा? मैं अगर तुम्हारी पुलिस में वो करा दूं मैं शिकायत, तो तुम्हें वहां भिजवा दूंगा, क्या कहते हैं वो जेल में। तो कर दीजिए शिकायत, बुलाइए पुलिस को, वो भी तो देखेंगे सेठ धर्मदास की फैक्ट्री में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहां तो सिर्फ मनमानी होती है, मजदूरों के साथ बेइंसाफी होती है, गुंडागर्दी होती है, कभी कभी उन्हें मारा भी जाता है। तुम कौन होते हो दूसरों के साथ वो करने वाले? बोल बे। हमदर्दी। हमदर्दी? तुम कोई फ्लोरा फाउंटेन हो? सेठ जी, लॉर्ड माउंटबेटन। तुम कोई लॉर्ड माउंटबेटन हो? ये मेरी वो है और मैं उसका वो हूँ। क्या यार, फैक्ट्री है और मालिक है। मालिक हूँ सेठ जी। वो दिन गए जब मालिक के कहने से मजदूरों की खाल उधेड़ी जाती थी, आज मजदूर और मालिक फैक्ट्री में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप हमें तनख्वाह देते हैं तो हम अपना वक्त देते हैं। मजदूर अपने खून का रंग जलाकर उसे पसीना बनाकर मशीनों में बहा देते हैं। देखो रहीम, यहाँ तुम्हारी वो नहीं चलेगी भाषणबाजी। इस शहर में, इस देश में कानून बदल गया होगा मगर यहाँ नहीं बदला। दूसरे मिलों और फैक्ट्रियों में मालिक और नौकर बराबर के होते होंगे, क्या कहते हैं उसको, हिस्सेदार, मगर यहाँ नहीं। यहाँ बकरी और गधा एक ही घाट पे पानी नहीं पीते। जी शहर और बकरी खमश, हम जो कहते हैं वही सही है। सही है, यहाँ सरकारी कानून चलता है ना गुमाश्ता का कानून चलता है, बल्कि सेठ उस दास का कानून चलता है। क्या धर्मदास? धर्मदास का बर्दाश्त होता तो काम करो, वरना फैक्ट्री का वो खुला है, निकल जाओ बाहर। दरवाजा। इतनी आसानी से नहीं जाएंगे सेठ साहब, अब तो नहीं जाएंगे। पहले इस केस को यूनियन में ले जाएंगे और फिर इसका फैसला होगा।
अच्छा 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 अच्छा, तुम उसकी वो मत करो मैं फिकर, तुम्हारी उसकी उसको मैंने यही बुलाया है क्या बे? जूनियर लीडर। ओ भाई ओ, गुड मॉर्निंग सर जी। लो आ गया तुम्हारा वो, क्या कहते हैं उसको, जूनियर लीडर। लीडर देखिए आपकी यूनियन के होते हुए इस फैक्ट्री में कैसे कैसे अन्याय हो रहे हैं। नहीं बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का, जब अपन पूछा तभी बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। आज तक इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम हुआ है शांति के साथ हुआ है, आगे चल के भी जो काम होगा बिल्कुल शांति के साथ होगा। अरे किस बात की शांति, लोगों को हमारा बेटा जाता है और उसके बाद हमारा बोनस। अबे किस बात का बोनस, ये तो सेठ की शराफत है कि तुम लोगों को नुकसान सहकर भी नौकरी पर रखा हुआ है। वरना और को सेठ होता तो फैक्ट्री पे ताले लग जाते और सारे मजदूर लोग घर बैठ जाते हैं। और तुम दोनों, हाँ तुम दोनों का अपन ने अच्छी तरह से पूछताछ किया है, सारा लफड़ाइची कराने वाला तुम दोनों, और जो ये झगड़ा हुआ ना ये भी तुम दोनों ने करवाया है। अरे शेर साहब नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का, जब अपन पूछेगा तभी बोलने का, वरना नौकरी से बाहर निकल दिया जाओगे। और सुनो, इस लफड़े से जितने भी लोगों को चोट लगी है उसकी मरम पट्टी का खर्चा और ऊपर से जो खर्चा होगा वो तुम लोगों के पगार से काटा जाएगा। आप चलो सेठ कट्टे। अरे कैसे पगार से काटा जाएगा भाई? चलो सेठ का चमचा। अरे पर सेठ साहब हमरा का होगा, हमरे लिए तंबाकू का पत्ता और अरंडी का तेल मंगवा दीजिए, गरम गरम करके सेक लेंगे, नहीं तो हमरा पंचर कभी ठीक नहीं होगा साहब। अबे यहाँ से निकल ले वरना अपन तुझे पंचर कर दे। और नहीं बस और नहीं, चल निकल ले, पतली गली पकड़ ले, फूट ले फिल्मी भाई। अरे वाह शेरा वाह, अगर तुम इसी तरह वो करते रहे काम तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। अल्फांसो? कौन अल्फांसो? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा नाम अल्फांसो की तरह मशहूर हो जाएगा। सेठ जी। हाँ मैनेजर जी, इसके उसमें खुजली हो रही है वहां वो रख दो, हाथ में खुजली हो रही है पाउडर रख दो। पाउडर? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा, ये क्या कहते हैं? पैसा पैसा पैसा। चलो ओ सेठ जी, थैंक यू, जाओ। अरे आहिस्ता राम कटोरी, हमरे होने वाले बच्चे की माँ जो अब कभी ना ही हो सकेगा। क्या कर रही हो? पड़ोस पड़ोस वाले सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो लुट गए, हमारी जवानी बर्बाद हो गई, वो हराम कोर हमारी गोद में झाड़ू फेर गए रे। भगवान करे कि उनकी औरतें मर्द हो जावे और मर्द औरत। अरे कैसन बद्दुआ दे रही हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कौन नुकसान नहीं होगा, औरत मर्द बन जाएंगे और मर्द औरत, तो जो मर्द हैं वो तो बच्चे जनेंगे और औरतें काम पर चली जाएंगी। अरे सारा नुकसान तो हमरा हुई गवा ना। नहीं हमरा कौन नुकसान नहीं हुआ है, देखना। अरे हम भी गंगू पहलवान का बेटी हैं। अरे हमरे बाप ने हमका एक से एक तेल बनाना सिखाया है। तेल? अब देखो अब हम तुमका का से का बनाते हैं। सबसे पहला, हाँ सबसे पहला हम तुमका करेले का रस पिलाते हैं। हाँ, करेले का रस? हाँ नीम की छाव में बैठकर 30-30 करी करेले का रस निकाला है, ये पीकर तुम भी इन पहलवान जैसन सांड हो जाओगे। लो पीलो, घसीट जाओ। अरे फिर का है ये? करेले का रस? नहीं। अरे पियो पियो पियो। हाँ जियो। अब बोल तुझे क्या चाहिए ब्याज काट के? जी 500 रुपए उधार चाहिए, गांव में बेटी के हाथ पीले करने हैं। अरे बेटी के हाथ पीले करने हैं या खुद का मुंह काला करना, इससे मुझे क्या लेना देना? पहले ये बता लौटाएगा कब ब्याज काट के? 6 महीने बाद लौटा दूंगा साहू जी। हम महीने का 10% ब्याज लेता है ब्याज काट के, ये तो मालूम है ना तुम्हें, यानी 100 पर 10 रुपए, 500 पर कितने हुए 50 रुपए, और कुल 6 महीने के कितने हुए 300 रुपए। हम ब्याज पहले ही काट लेते हैं, समझे? अब 500 में से 300 गए तो कितने बचे? 200 रुपए। हाँ ये लो 200 रुपए और 500 पर दस्तखत कर दो ब्याज काट के। या शाबाश, ये लो। डैडी डैडी क्या? मुझे 200 रुपए चाहिए। वापस कब लौटाओगी ब्याज काट के? क्या? अरे अरे तू है, बोल क्या चाहिए? मुझे 200 रुपए चाहिए, कॉलेज में फंक्शन है ना उसके लिए। अरे मैं दिन भर लोगों का गला दबा दबा कर उनसे पैसे निकालता रहता हूँ ब्याज काट के, और तू कॉलेज में जाकर फंक्शन में सब कुछ उड़ा देती। अरे कोई ऐसे कॉलेज में क्यों नहीं भर्ती हो जाती जहाँ खाना पीना फीस फंक्शन सब मुफ्त में हो जाए ब्याज काट के? आप पैसे देते हैं या आपके बही खाते इनकम टैक्स वालों को दिखा दूं?
छी 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 छी, सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, दोबारा जाकर नहाना पड़ेगा। छी 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 छी, ये लो। डैडी ये तो 180 है। अरे 20 रुपए मैंने काट लिए ना ब्याज में, ब्याज काट के। आप मुझसे भी ब्याज काटेंगे? अरे मैंने तो अपने बाप से भी ब्याज काटा था, ब्याज काट के तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं बगैर ब्याज के किसी को पैसे नहीं देता। चल भाग जा यहाँ से, ब्याज काट के। नहीं मानेंगे। सुनीता सुनीता सुनीता, अरे सुबह सुबह 280 का नुकसान कर दिया। पुनीत जी, जी हुजूर। इसके बाद जो भी ग्राहक आए उसे 100 रुपया कम देना ब्याज काट के। अच्छा सेठ जी, मगर सेठ जी वो प्रेम बाबू बैठे हुए, उनका तो फैसला कर दीजिए। अरे फैसला कैसे कर दे, मकान गिरवी रख के 3000 मांग रहा है और वो भी बगैर ब्याज के। ऐसा कभी हुआ है ब्याज काट के? दे दीजिए सेठ जी, एक तो आदमी ईमानदार और दूसरा इतना अच्छा मकान, 3000 रुपए में कौन गिरवी रखेगा? अरे तूने कागज तो ठीक तरीके से पढ़ लिया ना कि मकान उसका है या नहीं? जी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मकान भी जाए और 3000 भी जाए ब्याज काट के, समझा? जा बुला के लाओ उसे। आइए प्रेम बाबू आइए। नमस्कार सेठ जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। देखो प्रेम बाबू, वैसे तो हमें तुम्हारा ये मकान वकान पसंद नहीं आया, मगर तुम आदमी शरीफ और ईमानदार हो, इसलिए हम तुम्हें 2900 रुपया दिए देते हैं ब्याज काट के। 2900 नहीं, 3000 चाहिए सेठ जी। ओहो, लेकिन 100 रुपया कम देना है ना सेठ जी। इनको नहीं, इनके बाद जो आएगा उसको। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको पूरे दे दूं क्या? हाँ तो ये लो प्रेम बाबू पूरे 3000, बाद में आने वाले से 100 रुपया काट लूंगा। हाँ लेकिन प्रेम बाबू ये पैसे वापस कब लौटाएंगे आप? देखिए सेठ जी, मेरा छोटा भाई रवि, उसे भी ये पास करने में अभी वक्त है, लेकिन विजय 2 महीने में डॉक्टर बन जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आपके 3000 रुपए लौटा दूंगा। तुम कब आई? 20 साल पहले। मेरा मतलब यहाँ कब आई? शायद उससे भी पहले, लेकिन तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं है, जो 2 घड़ी मेरी तरफ देख लो। इम्तहान सर पर है, पढ़ना है, भैया और भाभी को दिया हुआ वचन पूरा करना है। लेकिन तुम इतने शोर में पढ़ कैसे लेते हो? जब किताब में मन लग जाता है तो दुनिया का कोई शोर असर नहीं करता। अच्छा ये बताओ, तुम मेरा हाथ कब थामोगे? जब तुम बीमार पड़ जाओ तब। क्या? डॉक्टर मरीज का हाथ थामता है, और हाथ थामता है तो सिर्फ नब्ज देखने के लिए, समझे? तो ये बात है। अरे सपना, I'm sorry, really sorry. तुम? आप मुझे जानती हैं? एक्टिंग मत करो, तुम वही हो ना रवि, बीए बूट पॉलिश वाला टैक्सी ड्राइवर? जी जी नहीं मोहतरमा, मेरा नाम रहमान है, अब्दुल रहमान। वो तो रवि है, रामदीन है, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। अब देखिए दुनिया अभी तक हम तीनों में से कौन रवि है, कौन रहमान है, कौन रामदीन है, पहचान ही नहीं सके। अरे गलती एक करता है, पकड़ा दूसरा जाता है और सजा तीसरे को मिलती है। कमाल की और एक बात सुनिए, इम्तिहान एक देता है, पास दूसरा होता है और जनाब सर्टिफिकेट तीसरे को मिलता है। एनीवे आधा वर्ष है। अच्छी बात है गुरु, मेरा नाम भी सुनीता है। तुम? आम? आम नहीं जी, वो दूसरा आम, तीसरा आम, 4 बहन, सुनीता पुनीता कविता सरिता। आम जिधर जाता दुनिया को चक्कर आता। हाँ हाँ, हम लोग का सबसे बड़ा प्रमादम तुमको मालूम? मंदिर एक जाता, प्रसाद दूसरे को मिलता, प्रार्थना भगवान तीसरे का सुनता, और काम चौथे का पूरा होता। बड़कम। अच्छा गुरु का संडी लगा गई। हाँ माफ कीजिएगा, ये तो सिर्फ 3 ही किताबें हैं, चौथी कहाँ है? चौथी जी नहीं, सिर्फ 3 ही गिरी थी। ऐसे कैसे होगा, 4 गिरी और 3 उठी। तो क्या मैंने 1 चुरा ली? मुझे क्या मालूम, आप मुझे अकेली देखकर सता रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अरे आप तो खाम खा गले पड़ रही हैं। क्या कहा? मैं गले पड़ रही हूँ? एक इज्जतदार लड़की के साथ ऐसी बेहूदा बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? चलिए मैं सब प्रिंसिपल साहब के ऑफिस चलिए। अरे रे रे मोहतरमा, मेरी बात तो सुनिए, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रही है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, प्लीज।
दीवाना बन के कब से खड़ा मैं तेरे लिए दीवाना बन के तेरी नजरों का निशाना बन के तेरी नजरों का निशाना बन के बाप की बेटी हूं, मेरे पास जिंदगी का हर सुख है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, तो फिर अब अपनी दोस्ती के कदमों को यहीं रोक लेते हैं, इससे पहले कि हमारी दोस्ती प्यार में बदल जाए, हम अजनबी बनकर एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो ही बेहतर है। अरे अरे सुनिए, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं एक बहुत गरीब बाप की बेटी हूं। सच? हाँ। और मां? मां मर चुकी है, बाप एक साहूकार के यहां मुनीम का काम करते हैं। Really? हाँ। तो फिर इस दोस्ती को प्यार की सरहदों में जाने की इजाजत है। शेरा जी, इस बार फिर तुम मजदूरों की यूनियन के इलेक्शन में जीतोगे, जरूर जीतोगे बैच काट के। तुझे कैसे मालूम सेठ? अरे शेरा जी, मैंने भी नेताओं के इलेक्शन की तरह तुम्हारे लिए वोट खरीद लिए हैं। हर मजदूर के घर एक एक बोतल शराब भेजती है जो पीते हैं, और जो नहीं पीते हैं उनके घर 20-20 रुपए नकदी भेज दिए हैं, और वो भी ब्याज काटे बगैर, ब्याज काट के। वाह सेठ वाह, तू तो बहुत यारबाज आदमी निकला। अरे भाई, तुम्हारा इलेक्शन तो मेरे लिए पैसों का खेत है, खेत। 20-20 रुपए के तो बीज डाल रहा हूँ, 100-100 और 1000-1000 की फसल काटूंगा ब्याज काट के। समझ गया सेठ,
बिना मतलब के तो तुम अपने सगे बाप को भी बाप नहीं कहोगे ब्याज काट के। अपना कीमती वोट शेरा को ही दिया जाए, हबीज की औलाद। अरे हराम ज़ादे, तुझे वोट और मैं दो जूते। अच्छा भाभी, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। और अगर गलती से कोई पिलाने के लिए आ भी जाए तो उसे मार मार के भगा दूंगा। शेरा को वोट देना, मुझे वोट देना। शेरा, इस इलेक्शन में सिर्फ दो ही उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक तुम और एक वो भिखारी प्रेम। अरे कहाँ तुम और कहाँ वो, समझ लो हार गया वो प्याज काट के। आए ये गधा कहाँ से आ गया? इसका रिश्तेदार है। मेरा नहीं, मेरा नहीं। उसका उसका। शेरा बिकाऊ है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा कमीना है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा गधा है, शेरा चोर है, हमारा नेता प्रेम है। शेरा चमचा है। तमाम वोटों की गिनती के बाद इस साल के यूनियन लीडर मिस्टर प्रेम कुमार चुने गए हैं। लुट गया, बर्बाद हो गया, ब्याज काट के। क्या ये है? तुम क्या हमको वो देने आए धमकी? नहीं नहीं सेठ जी, हम सिर्फ अपना हक मांगने आए। मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक उनका ओवरटाइम मिल जाए और साल में कम से कम 2 महीने का बोनस मिल जाए। यही है ना? अरे चाचा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, एक तो मजदूरों को नौकरी दो, फिर उस पर बिठाओ गोद में, कुछ नहीं मिलेगा। चलो, डक, डक, चलो जी। ये जो आप बार बार चलो चलो बाहर निकलो काम करना करो वरना चले जाओ, ये जो दोहराते रहते हैं, ये सब 1857 की बातें। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और इस आजादी में सिर्फ अमीर ही नहीं गरीब भी आजाद हुए। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, मगर ये फैक्ट्री मेरे बाप को अंग्रेजों ने वफादारी के इनाम में दी थी। जब ये फैक्ट्री अंग्रेजों ने दी थी तो यहाँ आजादी की हवा नहीं है, आजादी की हवा बाहर चलती है, वहां जाओ खाने के लिए। चलो 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 चलो। तो इस फैक्ट्री में आजादी की हवा तो लानी ही पड़ेगी। मतलब तुम वो लाओगे, क्या कहते हैं वो, इंकलाब? तो हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे जो उनके साथ उन्होंने किया था। किसने किसके साथ कहां क्या किया था वो तो मुझे याद नहीं है, मगर कुछ किया जरूर था। हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे, समझे? तुमको कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो, अरे मैनेजर भी नहीं, क्या बोलते उसको, भाग जा। चलो सेठ जी, हम आपको 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? काम बंद और हड़ताल। चलो भाइयों, हमने अपने मालिक को शराफत से, इज्जत से, नम्रता से समझाया, उनके सामने हमारी मांगे रखी, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को ठुकरा दिया, हमारी एक बात भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि अब वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जायज हक के लिए, जो कि हमें हमारी मेहनत के बाद भी नहीं मिलता, हम आज से हड़ताल कराएंगे। प्रेम भैया जिंदाबाद, प्रेम भैया जिंदाबाद। ये मत भूलिए कि यह हड़ताल शांतिपूर्वक होगी। खास आवाजें अपन रिकॉर्ड कर लेता है सेठ जी, मगर बोलता अच्छा है। इसकी बातों से वो आ रही है ईमानदारी की बू, और ईमानदार आदमी बहुत खतरनाक होता है। वो आ रहा है सेठ जी, इसका ईमान खरीद लीजिए। हाँ, तुम उसमें घुस जाओ, वो संडास में। गेट आउट सेठ जी, कम इन, कम इन। अरे हाँ, आओ प्रेम बाबू आओ। अभी मैं तुम्हारी वो सुन रहा था आवाज इस मशीन में। अच्छा बोलते हो, अच्छा बोलने वाले मुझे बहुत पसंद है। वो लोगे चाय? जी नहीं, फरमाइए किस लिए मुझे बुलवाया? अरे बैठो तो सही, अब झंडे के डंडे की तरह खड़े रहोगे तो कैसे काम चलेगा, बैठो ना। फरमाइए। तुम बहुत ईमानदार और शरीफ आदमी हो, आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गांधी जी की याद आ गई। तुम्हें याद है गांधी जी ने क्या कहा था? हाँ, तुम्हें तो मालूम है गांधी जी ने क्या कहा था, लेकिन गांधी जी ने जो कहा था मैं वो नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि
वो है ना क्या कहते हैं उसको, ईमानदारी। ईमानदारी से रोटी नहीं खरीदी जा सकती, ईमानदारी से मकान का किराया भी नहीं दिया जा सकता, ईमानदारी से फकीर को वो भी नहीं दी जा सकती भीख। फिर क्या जरूरत है ईमानदारी की है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता था कि तुम तो वो हो ना लीडर, अगर तुम्हारे हमारे बीच में वो हो जाए समझौता तो अच्छा रहेगा। सेठ जी, समझौते के लिए तो ये हड़ताल कर रखी है हम लोगों ने। अरे सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबको मारो वो टिशको क्या कहते हैं गोली है? हमारे आपस की बात कर रहा हूँ। क्या है कि उसकी आवाज पर वो हो जाती है ना लीडर, की आवाज पे जनता भेड़ बकरियों की तरह चल पड़ती है। तो अगर हमारे बीच में वो हो जाए तो फिर जो हम कहेंगे वो तुम सुनोगे, और जो तुम कहोगे वो मजदूर सुनेंगे। मतलब आप मेरी आवाज खरीदना चाहते हैं? नहीं, किराए पे लेना चाहते हैं। ये आवाज ना बिकेगी ना किराए पर मिलेगी, क्योंकि आवाज मेरी नहीं सारे मजदूरों की आवाज है। और अगर आप किराए पर लेना ही चाहते हैं तो सारे मजदूरों की आवाज ले लीजिए और वही कीमत दीजिए जो आप मुझे देना चाहते थे। और मैं वादा करता हूं सेठ जी कि मैं ये हड़ताल एक दिन में ही खत्म कर दूंगा, अभी इसी वक्त। हिम्मत है? सेठ धर्मदास, मैं शेरा नहीं जो बिक जाऊं। मेरा नाम प्रेम है और मैं इन मजदूरों से प्रेम करता हूं अपने भाइयों की तरह। नमस्ते। चार दिन भूखा रहेगा तो न प्रेम रहेगा न प्रेम की ईमानदारी का फ्रेम रहेगा। भूखे मरियल कुत्ते की तरह मेरे पांव पे आके गिरेगा और मैं लात मार के वहां फेंक दूंगा। सेठ जी, अगर ये आवाज बिकने के लिए तैयार नहीं है तो इस आवाज का हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। अरे नहीं यार, तुम झगड़े फसाद की बात मत किया करो, हम कोई मामूली लोग नहीं है, हम पॉलिटिशियन है। सेठ जी, पॉलिटिशियन। चुप करो, हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो समझे शेरू, ये मैनेजर जो कह रहा है वही सही है, हम पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन लोग हथियार से नहीं बल्कि उससे मारते हैं। प्यार से। प्यार से। कौन चाहिए? प्रेम साहब घर में हैं? जी नहीं, फैक्ट्री गए हैं। वो मतलब तुम? मैं उनकी पत्नी हूँ। लक्ष्मी बेटी हो? जैसा नाम सुना था वैसी साक्षात देवी का रूप हो। बेटी मैं तुमसे 3-5 बातें करने आया हूँ। मुझसे बातें करने? हाँ, मैं अगर यहाँ बैठूं तो तुम्हें इतराज तो नहीं होगा? हाँ, मुझे मालूम है तुम कहोगी मेहमान तो भगवान का रूप होता है, उसके आने पे कैसा इतराज। वाह बेटी वाह, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे, तुम्हारे विचार सुनकर मन बहुत सुखी हो गया। बेटी मैं तुम्हारा वो चाहने वाला हूँ, भला। भला चाहने वाला? मैं समझी नहीं। वही मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम प्रेम को भी समझा दो कि मैंने तुम्हें क्या समझाया है। नहीं समझी? अभी समझाता हूँ। बेटी ये रख लो। एक मिनट, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये वो मैं। सुजाता, क्या है माँ? जल्दी से जाकर तेरे पापा को बुला कर ला, बोलना बहुत जरूरी काम है, मैंने बुलाया है। हाँ। और साथ में लेकर आना। हाँ? अच्छा। इधर से नहीं, उस दरवाजे से जा। क्या हुआ? नहीं वो थोड़ी शक्कर कम। ठहरी मैं अभी लेकर आती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि तुमने कम डाली है, असल में बाजार वाले ही शक्कर में गड़बड़ करके बेचते हैं। अब देखो ना, शक्कर में मिठास नहीं रही, लोगों के बोलने में मिठास नहीं रही, इसमें ये नहीं रहा, उसमें वो नहीं रहा। अगर इसका ये रहा तो उसका वो कैसे चलेगा? नहीं समझी? बेटी तुम ये रख लो ना। सेठ जी, हम लोग तो ना ज्यादा मीठा खाते हैं और ना ही मिठास में दिए हुए पैसे लेते हैं। हमारे पास जो कुछ है हम उसमें ही खुश हैं। ज्यादा पैसों की जरूरत आप जैसों को होती है, मुझे अच्छी तरह मालूम है आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। क्या? जी हाँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। कल आपने उन्हें रिश्वत देकर खरीदना चाहा, उन्हें खरीद ना सके तो आज मुझे खरीदने चले आए। एक बात सुन लीजिए सेठ जी, वो मेरे भगवान हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आप इतने से नोट लेकर मुझे लालच देने चले आए? अगर आप गाड़ी भरकर भी नोट लाते तो भी मैं उसे ठोकर मारकर बाहर फेंक देती। अब जा सकते हैं। अच्छी तरह सोच लो बेटी, वो तो मर्द है, जज्बात में आकर घर का वो भूल गया है भला बुरा, लेकिन दरअसल घर तो औरत को चलाना पड़ता है। अब देखो ना तुम्हारे घर में कितनी वो है, तंगी, मुसीबतों का सामना है, बड़े उसको वो बनाना है, देवर को डॉक्टर,
छोटे को वकील बनाना है, बच्चों की वो करनी है। हमारी समस्याएं हैं और हम इसे हल करना अच्छी तरह जानते हैं। मेरे देवरों और बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे ऐसे पाप के पैसों की जरूरत नहीं। हम दूसरों का हक छीनकर ऐश करने वालों में से नहीं है सेठ जी। गरीबों के साथ रुखी सुखी बांट कर खाना ही हमारा धर्म है और हम ये धर्म नहीं छोड़ सकते। खैर, जैसी तुम्हारी वो मर्जी, मगर ये समझ लो कि तुमने दरवाजे पर आई किस्मत को ठोकर मार दी। किस्मत को नहीं सर जी, बदकिस्मती को ठोकर मार दी है। बेईमानी की दौलत बांटने वाले को ठोकर मार दी है। आप इन्हें रिश्वत देने आए हैं जिनका नाम खुद लक्ष्मी है? अरे पापों का प्राश्चित करना हो ना तो सुबह सुबह नहा धोकर ये माथा इन चरणों में जरा रगड़ लेना, सारे पाप धुल जाएंगे। ये चरण छूकर जो भी मुराद मांगोगे भगवान कसम पूरी हो जाएगी। आप इन्हें रिश्वत देने आए हैं? बड़े बेवकूफों से तुम अपना वो संभाल के बात करो। हाँ मुंह। वाह वाह वाह, मेरे घर में आकर मेरी माँ जैसी भाभी को रिश्वत के नोट देकर मुझसे कह रहे हो कि मुंह संभाल के बात करो? अरे शुक्र करो सेठ, मैंने अब तक अपना हाथ संभाल कर रखा है क्या? वरना एक घुमा कर मारता तो तुम्हारा ये फुटबॉल जैसा चेहरा ना कैरमबोर्ड जैसा चपटा हो जाता। रवि, बड़ों से इस तरह बातें। अरे ये काहे के बड़े, बालों में बेईमानी की सफेदी छिड़क कर कोई बड़ा नहीं बन जाता। खैर तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ, चलो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। मुझे मालूम है वो किधर है रास्ता। जरा संभाल कर जाना, मोहल्ले के कुत्ते बड़े खतरनाक हैं। नया वो देख लेते मतलब कुत्ता तो चीर फाड़ कर वो खा जाते हैं। हाँ वो खा जाते हैं। चलो चलो। अच्छा बेटे चलो, वो याद रखना। क्या फायदा हुआ? गए थे प्रेम के घर उसे प्यार की मार मारने और खुद गालियों की मार खाकर आ गए। अभी तो मैं गालियों की मार खा के आया हूँ। अगर मैंने उनके पूरे खानदान को भूखा नहीं मार दिया तो मेरा नाम पिंडीदास नहीं। पिंडीदास नहीं, तुम्हारा नाम धर्मदास है सेठ। देखो गालियों में नाम ही भूल गए। देखना मैं उनकी ऐसी वो करूंगा कि उनकी वो हो जाएगी, सर के बल चल के मेरे पास आएंगे, वो मचा डालूंगा वो। क्या बोलते हैं उसको वो सबाई? आपन बोलता सेठ काय को इतना लंबा करता है, हुक्म दो आपन प्रेम को खलास कर देता है, सारा मामला इससे खलास हो जाएगा। नहीं नहीं, जान से नहीं मानने का, इसमें बड़ा वो होता है। अगर हमने उसको अपने हाथ में लिया तो हमारा उसके हाथ में चला जाएगा। क्या हाथ में ले और क्या किसी के हाथ में चला जाएगा सेठ? वो मुझे नहीं मालूम, मगर जान से नहीं मारने का। थोड़ा थोड़ा सता सता के तड़पा तड़पा के मारा तो ठीक है। जब तक आप उनको तड़पा तड़पा के मारेंगे ना सेठ, वो लोग आपको जला जला कर गालियां दे दे के दिल का मरीज बनाकर मार डालेंगे। आप जिधर से गुजरेंगे ना वो लोग चुराहे पे खड़े होकर चिल्लाएंगे, धर्मदास मुर्दाबाद, धर्मदास मुर्दाबाद। मेरे घर में मेरी दारू पीता है, मेरे को ही मुर्दाबाद बोलता है। अपन नहीं, वो बोलेंगे सेठ। और सुनो, बच्चे तुम्हारी गाड़ी पर पत्थर मारेंगे, तुम्हारी गाड़ी जहां रुकेगी उसका टायर पंचर करके भाग जाएंगे, लोग हाथ के बने हुए बम तुम्हारे घर में फेंकेंगे, हर रोज धमाके होंगे, कभी तुम्हारा चौकीदार मर जाएगा, कभी तुम्हारा नौकर जख्मी हो जाएगा, और फिर एक दिन तुम्हारे कमरे के अंदर घुस के तुम्हें घूसों से, तुम्हें लातों से, तुम्हें लाठियों से, तुम्हें सरियों से, उसकी नोक से तुम्हारी आंखें फोड़ डालेंगे, तुम्हारे शरीर में सुराख सुराख कर डालेंगे, और फिर तुम्हारी लाश को ले जाकर किसी पेड़ पर उल्टा लटकाकर भाग जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा सेठ, यकीन नहीं आता ना तो कुछ दिन इंतजार करके देख लो। मैं ही करने वाला। तो फिर प्रेम को खत्म करते हैं। कर लो लक्ष्मी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, है ना? कम पैसों से घर चलाना पड़ रहा है, फाकरी की नौबत आ गई है, लेकिन तुम शिकायत का एक लफ्ज भी जबान पर नहीं ला रही। शिकायत किस बात की? अरे मुझे तो फक्र है अपने भाग्य पर, अपनी तकदीर पर, कि मुझे आप जैसे इंसान की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। जो दूसरों के लिए जीता है, हर दुखी, हर गरीब, हर मजदूर के दुख को अपना दुख समझता है। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है, अगर मुझे इस जीवन के बाद दोबारा जीवन मिले तो सिर्फ आप ही के चरण में मिले। लक्ष्मी। हाँ, विजय का खत आया है, उसके इम्तिहान सर पर आ गए हैं,
उसे 2000 रुपये भेजनी है। क्या 2000 रुपये? अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपसे कहा था ना, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं और जिद करने की भी कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको अपनी सर की कसम नहीं दी थी? ये रहे कंगन, इन्हें बेच दीजिए। ये कैसे बेच सकता हूं? लक्ष्मी, जब से मैं तुम्हें ब्याहकर इस घर में लाया हूं, तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी कोई तोहफा नहीं दिया। बहुत से तोहफे दिए हैं आपने, रवि विजय जैसे देवर, सुजाता कृष्णा जैसे बच्चे, रहीम भैया जैसा भाई, ये मंदिर जैसा घर, अपना प्यार, इतने सारे तोहफे तो कई जन्मों के लिए काफी होते हैं। आपने तो इसी जन्म में तोहफों से मेरी झोली भर दी। और जानते हैं औरत क्यों जेवर बनाती है? शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नहीं, जब घर की इज्जत खतरे में पड़ जाए तो उसे बचाने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। सेठ जी, कंगन तो रख लिया, अब पैसे भी तो दीजिए। पैसे? अरे कैसे पैसे, जिस दिन से मकान गिरवी रखा है चवन्नी भर का तो ब्याज नहीं भरा तुमने। हाँ ये कंगन तो मैंने 6 महीने के ब्याज में रखे, ब्याज काट के, बाकी रह गए 6 महीने का ब्याज और मकान की कीमत। हाँ जाओ। सेठ जी, मेरे भाई के इम्तिहान सर पर आ गए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। और मुझे नहीं है। हाँ मैंने तो पैसे बांटने की दुकान खोल रखी है ना ब्याज काट के। अरे तुम गरीबों का तो रोज का ये रोना है, बाप बीमार है, माँ अस्पताल में है, भाई को पढ़ाना है। अरे जा जाओ, शुक्र करो मैं कुर्की लेकर तुम्हारे घर नहीं पहुंचा, वरना घर से बेघर कर देता ब्याज काट के। जा। अरे जा जा। अरे खड़े खड़े मुखिया देख रहे, मैंने कहा ना जाओ। लगाओ शर्त, जो शख्स सबसे पहले कंडाला घाट पहुंचेगा उसे 2000 रुपया इनाम मिलेगा, इंटरेस्ट फीस सिर्फ 200 रुपया। लगाओ शर्त, 200 रुपया। लगाओ लगाओ शर्त लगाओ। क्यों भाई साहब, क्या हो रहा है? लगाओ शर्त लगाओ। शर्त? साले पागल हो गए, इस वक्त शर्त लगा रहे 200 रुपया एंट्री फीस भर के साइकिल रेस में हिस्सा लो। 200? हाँ, जो शख्स कंडाला घाट पहले पहुँचेगा उसे 2000 रुपए का इनाम मिलेगा। क्या वक्त की कीमत है? सेठ जी, नई घड़ी है सेठ जी, 200 रुपए दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी, मैं आपके। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 200 रुपए है। हाँ ठीक है, तो नहीं 200 रुपए की, लेकिन ये लो 200, लेकिन ब्याज जल्दी लेके आना, ब्याज काट के। We'll be right back.
हाँ भाई नए लीडर, आपको ने एक ही झटके में हमेशा के लिए तेरी अखी लीडरी निकाल देता है। क्या साइकिल रेस खंडाला इस वक्त? हाँ, ऐसी कुछ हाली मवाली खवा मखा की शरारत लगा रहे थे साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। कैसा वादा? विजय के इम्तिहान चल रहे होंगे, उसे मेरे बारे में मत बताना, वरना वो इम्तिहान छोड़कर चला आएगा और हमारी परसों की तमन्ना खाक में मिल जाएगी। किसने किया बता दो मुझे, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। प्रणाम आखरी प्रणाम।
Cheers. खुशियां मत मनाओ सेठ। अगर तुम समझते हो कि प्रेम भैया के मर जाने से मजदूरी की आवाज दब जाएगी, उनका सर तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा, तो तुम गलती पर हो सेठ। ये जंग जारी रहेगी क्योंकि प्रेम भैया मरे नहीं, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे लेकिन फिर होश में आ गए हैं। ये प्रेम है जो तुम्हारे सामने खड़ा है और वो जिसकी चिता जली है वो रवि था। चाचा पानी पी ले। एक तो हफ्ते भर से भूख हड़ताल किए हैं, ऊपर से पतला शरीर। अरे जरा आहिस्ता पियो चाचा, नहीं तो कलेजा में अटक जाएगा। तो उससे ठराम खोर खुश हो जाएगा कि एक दुश्मन कम हो गया। भगवान करे उस सेठ का बदन में इतना कीड़ा पड़े कि उसका घर जमीन से लेकर छत तक कीड़ों से भर जाए। भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, तुम वो हो गए और मैं वो हो गया, मतलब तुम जीत गए और मैं हार गया। मैं तुम्हारी मांगे पूरी करता हूं, तुम्हें ओवर टाइम मिलेगा और तुम्हें वो मिलेगा, बोनस मिलेगा। आज आप लोग वो कीजिए, कल से उस पर आ जाना, मतलब आज आराम कीजिए, कल से काम पर आ जाना। सेठ धरमदास की, सेठ धरमदास की। क्या करते हो, ये कोई नारेबाजी का वक्त है? सर आप ही ने तो कहा था। चुप, सबका भूख प्यास के मारे बेचारों का बुरा हाल है, तुम वो नारेबाजी के लगी है। मैं क्या नारेबाजी के लिए इनकी वो कर रहा हूँ? मैं तो इनकी वो की वो कर रहा हूँ, मतलब हिम्मत की इज्जत कर रहा हूँ। और इसका वो रवि के उस पर है, मतलब इसका सेहरा रवि के सर पर है। रवि बेटा आओ, आ जाओ, आओ अब आओ, आओ। तुम बहादुर बच्चे हो और मैं तुम्हारी बहादुरी की वो करता हूँ, कदर करता हूँ, कदर करता हूँ। मैंने तुम्हारे मांगों के कागजात पर वो कर दिया है, दस्तखत कर दिए। अरे वाह, हे भगवान, अभी कुछ दिन के लिए कीड़े रोक ले, इस शरीर पे मत डालना। आज तुम्हें देखकर मुझे प्रेम की वो आ गई याद। बोलो प्रेम भैया की, प्रेम भैया की, प्रेम भैया की। जाइए आज आराम कीजिए, कल वो होगी मुलाकात। बोलो रही भैया, सेठ अपन को तुम्हारा ये चाल बिल्कुल समझ में नहीं आया। वैसे साला मजदूर लोग भूखा पेट मर रहा था, थोड़े दिन और इंतजार करते तो साले झक मार के काम पे आते, और अपन रवि को वैसे खलास करता जैसे प्रेम को खलास किया था। तुम अपनी माँ के पेट से छुरी चाकू लेके पैदा हुए थे क्या? बात करते हो तो मुंह से चाकू गिरते हैं, शब्दों की जगह गालियां निकलती हैं। ये धींगा मस्ती से वो चलती है क्या दुनिया? एक तो वैसे प्रेम की मौत की वजह से पुलिस ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। इतनी मरता मैं घर नहीं गया जितनी मरता पुलिस चौकी जा चुका हूँ। देखो अभी हम लोग अंग्रेजों वाला वो इस्तेमाल करते हैं तरीका, दुश्मन के सामने वो हो जाते हैं, झुक जाते हैं, उसको यहां लगाते हैं, जैसे वो मिलेगा उसका वो कर देंगे। क्या मिलेगा? मतलब मौका मिलेगा ये कर देंगे। कृष्णा, सुजाता, आओ। अरे दूर क्यों खड़े हो, पास आओ ना। चलो मैं ही आ जाता हूं। अच्छा सुनो, मैं बहुत दिनों से तुम लोग पपी के लिए तड़प रहा हूँ, चलो पपी दो, कम ऑन। चाचा जी, बताओ क्या हुआ? चाचा जी, अरे कुछ तो बोलो ना, क्या हुआ? चाचा जी वो अभी अभी ये नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं मर सकता, मेरा देवता, मेरा भगवान नहीं मर सकता। भाभी कह दो ये झूठ है, मेरा भाई नहीं मर सकता। भाभी कह दो ये झूठ है, ये सब झूठ है, मेरा भाई। ये तुमने विजय को कैसी सजा दी? ये देखो, देखो तुम्हारा सपना पूरा हो गया है, तुम्हारा विजय
तुम्हारा विजय डॉक्टर बन गया है, वो फर्स्ट क्लास में पास हो गया है, उसे उसे गोल्ड मेडल भी मिल गया है। भैया भैया एक बार मुझे अपने सीने से लगाकर कहो कि विजय आज मैं बहुत खुश हूं, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। एक बार भैया, सिर्फ एक बार मुझे अपने सीने से लगाकर कहो कि विजय आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। अभी ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने मुझे खबर भी नहीं की। क्यों भाभी, क्यों मुझे खबर क्यों नहीं की? क्यों भाभी? अगर हम तुम्हें खबर देते भैया, तुम इम्तिहान छोड़कर चले आते, और भैया ने हमसे वचन लिया था हम तुम्हें खबर ना करें। उन्होंने मना किया और तुम लोगों ने मुझे उनके दर्शन तक नहीं करने दिए। मैं भी उनका भाई हूं भाई, मैं एक बार अपने भाई को देखना चाहता हूं। क्या तुम लोग मेरे भाई को मुझे दिखा सकते हो? मैं एक बार अपने भाई को देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार। जन्म काहे दिया? चलो जन्म दिया तो ठीक है, ये राम कटोरी के हाथ काहे सौंप दिया? ये राम कटोरी थोड़ा ही है, मुसीबत की कढ़ाई है कढ़ाई। 6 महीनों से अपने फौलादी हाथों से हमरे इस बदन पर मालिश कर करके और हमरी इस मखमली खाल को मगरमच्छ की खाल बना डाला है। दिन भर हमसे दंड पिलवाती है, अब तो हम सपने में भी दंड पेलते हैं, सोते वक्त दंड पेलते हैं, नहाते वक्त दंड पेलते हैं, चलते वक्त दंड पेलते हैं। ई लो ये और मुसीबत, ई पहाड़, ई टैंकर हमरे लिए लेकर आई है हमरी मसल बनाने के लिए, वो भी दिन में 200 बार। अरे कौन गधे का पट्टा ही करेगा? आए कैसे आईडिया अभी करत है, हम कटोरी तुम भी कटोरी, अभी तो सब कटोरी, अरे हमरी तुमरी कटोरी। एक दस 16 आए 16 सावन। अरे 66 72 199 240 एजी 260 एजी, ये कैसी गिनती कर रहे हो? हमका बचपन में ऐसी ही गिनती सिखाई गई है। हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए हैं। हमरे लिए कैसन खुशखबरी? हमरे गांव से एक पहलवान आ रहा है। हमरे गांव से का उस पहलवान का अपना कोई गांव नहीं है? देखो अगर वो भीख मांगने आए तो 10-5 पैसे देकर उसको भगा देना, दरवाजे पे खड़ा मत रखना। अरे नहीं, वो तो कुश्ती लड़ने आ रहा है, और जोन उसे कुश्ती में हरावेगा उसे 10,000 रुपए मिलेगा। 10,000? हाँ। का नाम है उस पहलवान का? गेंडा मारू चट्टान उखाड़ू हाथी पटक पहलवान। तब तो तुम अपने बाप गंगू पहलवान को भेजो उससे लड़ने के लिए। बाप का नहीं, हम तो तुम का भेजेंगे। सच्ची? हाँ। तो फिर एक काम करो, ये अपना मंगलसूत्र हमें उतार कर दे दो। काहे? अरे इसको गिरवी रखकर हम काशी चले जाएंगे। ची ची ची, कैसन बातें करत हो? अरे तो और नहीं तो कैसी बात करें,
गेंडा मारू चट्टान उखाड़ू हाथी पटक पहलवान हमको पटक पटक के ऐसा तोड़ देगा जैसा हाथ से टपक के अंडा जमीन पर टूट जाता। तुम उस पहलवान का नाम ले रही हो, हमारी मशीन में गड़बड़ हो रही है, लगता है डर के मारे फिर से पंक्चर हो रही है। हम गए काम से। अरे अरे कहाँ जाता हो? हमें आ रहा है, हमें आ रहा है। अरे हिम्मत न हारो, मर्द बनो मर्द। अरे काहे का मर्द, देखो एक काम करो राम कटोरी, अपनी साड़ी ले आओ, हम साड़ी पहन लेंगे। हटो जी, फिकर काहे करत हो, ये देखो हम करेले का रस पिलाएंगे और अखाड़े में भेजेंगे। अरे मारा गया भीमसेन। भाभी, भाभी क्या है? भाभी ये मेरी पहली तनख्वाह है। तुम डॉक्टर बन गए विजय, तुम्हारे भैया की आरजू पूरी होगी, मेरे लिए यही काफी है। ये रुपए तुम अपने पास रख लो। मेरे पास? मैं क्या करूंगा? तुमने और भैया ने मिलकर मुझे छोटे से बड़ा किया है। सारी जिंदगी हम तुमसे मांग मांग कर खाते आए, जब हम कमा कर लाए तुम लेने से इनकार कर रही हो। क्या क्या हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं? ऐसा मत करो भाभी, तुम हम सबकी मां हो, क्या बेटे अपनी मां को कमा कर नहीं देते? ये लो और इस घर को ऐसे ही संभालो जैसे आज तक संभालती आई हो। और कभी हमें एहसास मत दिलाना कि हमारा भाई इस घर में मौजूद नहीं है। भाभी 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 हमारे भैया कहीं नहीं गए, हमारे साथ हैं, हम सबके साथ भाभी, हमारे बीच हैं, इसी घर में है भाभी। खुदा की कसम वो हम सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। भाभी भाभी देखो पंखा, पंखा खुद बहुत चलने लग गया है। भाभी मैंने सच ही कहा था ना भाभी कि भैया हम सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, भैया की मौजूदगी का सबूत है भाभी। डॉक्टर साहब रुकिए, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, एक लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। चल कहाँ है वो? देखिए डॉक्टर साहब, सपना तुम? सपना क्या हुआ तुम्हें? प्यार धत?
नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहचानूंगी कैसे भाभी, आज बिचारी पहली बार आई हैं। इसके बाद बार बार आएंगी, फिर हर बार आएंगी और अंत में हमेशा के लिए आ जाएंगी। हमेशा के लिए? भाभी ये और विजय भैया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो अरे बाबा तो इन दोनों का तो हो गया। तो हाँ, एबीसीडी से लेकर जेड तक। एबीसीडी से लेकर जेड तक? अरे क्या मुसीबत है भाभी, इन दोनों का प्यार हो गया है, दोनों शादी करना चाहते हैं। भैया मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये यहाँ आ गई। विजय इधर आओ। जी भाभी। ये लड़की क्या कह रही है? ये भाभी इसका नाम सपना है, दरअसल हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। क्यों बबुआ? बोलिए बाबू। मुझे मालूम है देवर जी, आप दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों में प्यार हो गया है और ब्याह तक की तैयारी कर ली। हाँ नहीं नहीं भाभी, ये अपनी तरफ से बोल रही है। हाँ मुझसे झूठ मत बोलो विजय, अगर ये सच है तो इनकार क्यों करते हो? भाभी मैं आपको बताने वाला था, खाम का इसने जल्दबाजी कर दी। क्यों रवि? कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि इसने बिल्कुल ठीक किया है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना ही प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी फौरन हो जानी चाहिए। मुझे तुम दोनों का इस तरह से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। करेक्ट, मैं भी तो यही कर रहा था, जब मियां बीवी राजी तो फौरन कर दो शादी। जी ये क्या है? ये शगुन है बहन, जब बहू पहली बार घर में आती है तो उसको मुंह दिखाई देना जरूरी होता है। इसका मतलब रिश्ते की बात पक्की, अनिवार्य लक्की। अरे कम, अरे फोटो 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 ब्याज काट के। बड़ी वो लगती हो, खूबसूरत। भाभी अंदर आओ ना। नहीं विजय नहीं, हम लोग यही ठीक है, वहाँ बहुत से लोग हैं और हम। डॉक्टर विजय की भाभी होकर तुम शर्माती हो। रवि तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे क्या हुआ? हाँ भैया ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में देखी नहीं, या तो किताबों में पढ़ी या फिल्मों में देखी है। अंदर जाने में कुछ अजीब सा लग रहा है। रवि ऐसी उठपटांग बातें करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे भाई किस पर वो हो रहे हो नाराज? अंकल कुछ नहीं है। अंकल ये मेरी भाभी जी हैं और ये मेरा छोटा भाई रवि। हाँ इस बच्चे को तो मैं अच्छी तरह से वो करता हूँ, मतलब पहचानता हूँ, ये बड़ा वो और वो है, मेहनती और ईमानदार। अंकल आज हम जो कुछ भी हैं अपने स्वर्गीय भाई और भाभी की वजह से हैं। ये मेरी भाभी नहीं मेरी माँ है, जिनके मैं सारी जिंदगी चरण छूता आ रहा हूँ, शायद इसलिए कामयाबी मेरे कदम चूम रही है। अरे मुझे मालूम है बेटा, तुम्हारा परिवार तो बड़ा वो है जिसका उसमें वो ही नहीं है, भगवान इसके उसको उससे बचा के रखे। क्या क्या मैं समझा नहीं अंकल? मेरा मतलब है कि तुम्हारा परिवार तो दुनिया में एक है जिसका जवाब ही नहीं है, भगवान इसको दुश्मनों की नजरों से बचा के रखे, ये मतलब था मेरा। अंकल आप इतना ये और वो कह रहे थे कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल क्या है कि मुझे ये वो कहने की बड़ी वो है आदत। अच्छा तुम जाओ मेहमानों से वो करो, मैं जरा अपने रिश्तेदारों से वो करके आता हूँ बात। आओ भाई इनसे मिलो, ये हमारी उसकी वो हैं दामाद की भाभी और ये उसके वो हैं छोटे भाई, ये रघुवीर सेठ हैं, ये गोपाल सेठ हैं और ये हमारे उसके वो हैं ऑफिस के मैनेजर। अमा धर्मदास अब तुम फंस गए, तुम्हारी चलने वाली नहीं है, तुम्हारी बेटी इनके घर में बहू बन के गई है। अब मियां रवि जब भी यूनियन की मांगे लेकर के आएंगे तुम्हें तो पूरी करनी पड़ेगी ना। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। हाँ। एक अमीर आदमी को काबू करने का एक ही तरीका है, उससे रिश्ता जोड़ लो। आपका मतलब है हमने अपने भाई की शादी इस लालच में करवाई कि सेठ तक पहुंचने के लिए हम अपने भाई के कंधे को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये तो वो कर रहे थे मजाक। ये वो नहीं कर रहे सर जी, ये हमारा अपमान कर रहे हैं। अच्छा अगर तुम्हें ये लगा है तो मैं इनकी तरफ से तुमसे वो मांग लेता हूँ। भाई तुम अपने उस पर काबू रखो ना, जो आता है उसे उगलते चले जाते हो मुंह से।
मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। इन दो दो पैसे के झोपड़पट्टी वालों ने मुझसे भी ऐसी चाल चली थी, इसलिए मैंने बात कर दी। तुम्हारा मतलब है कि इन लोगों ने अपने देवर को मेरा दामाद इसलिए बनाया कि मेरी बेटी को उड़ा लें? सोने की चिड़िया समझकर। क्यों? नहीं नहीं, ये लोग ऐसे नहीं। अगर ये लोग ऐसे हैं तो इनसे ज्यादा कोई वो नहीं हो सकता है गिरा हुआ, इनसे ज्यादा कोई वो नहीं हो सकता है जलील, इनसे ज्यादा कोई वो नहीं हो सकता है कमीना। नहीं नहीं, मैं तो वो पेश कर रहा था मिसाल। अरे आप लोग ऐसे ही खड़े, आप लोगों ने वो नहीं लिया कुछ? पीजिए ना, चलिए अंदर आके, चलिए आइए ना अंदर ही। चलो चलो। मेरे उसमें वो पड़ गई कलेजे में ठंड, जब उनकी उससे वो गिरेगा टप टप आंख से आंसू, तो मेरे उसमें वो पड़ जाएगी दिल में ठंडक। देख लेना भाभी, हम लोग पुरानी बातों को भूलकर उन लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं, और वो कमीने शब्दों के नशे से पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं। तुमने कहा था ना मैं विजय भैया को सच्ची के बारे में कुछ ना बताऊं, ये है ना बताने का नतीजा। शादी के पहले दिन से ढंग मारना शुरू कर दिया, मैं तो विजय भैया को सब कुछ बता के रहूंगा। नहीं रवि, नहीं, तुम विजय से इन बातों का जिक्र नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम। देखो रवि, सपना भी इस घर की बहू है, अगर तुमने ऐसा कुछ कह दिया विजय और सपना के संबंध खराब हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी तुमने विजय से कुछ कहा तो तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डैडी, अब इस खानदान से मैं गिन गिन कर बदले लूंगी। मैं वो दिन नहीं भूली डैडी, जब आप उनके घर पहली बार गए थे और उन लोगों ने आपको जलील करके उस घर से निकाल दिया था। मैंने उनको जलील करके उन्हीं के घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम सपना नहीं। हाँ बेटी, लेकिन ये इतना वो नहीं है आसान। है, बिल्कुल है डैडी। पीछे एक भोला भाला इंसान है, मुझे चाहता है, मैं अपने प्यार को हथियार बनाकर उस खानदान के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी और रवि का घमंडी सर लाकर आपके कदमों में झुका दूंगी। छोटी भाभी आदाब। कौन हो तुम? अरे मुझे नहीं पहचाना भाभी, मेरा नाम रहीम है। रहीम? रहीम हो या राम, इस तरह बगैर इजाजत अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भाभी ये शरीफों का घर है, कोई भटकते लोगों की सराय नहीं, जिसका जब जी चाहे अंदर घुसाए, चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ। वो भाभी वो क्या है कि कान के बूंदे लाया था, बहुत से खाली हाथ नहीं मिलते ना, बट शुगनी होती है। क्या शगुन लेकर आए हैं, हमारे घर में नौकरानी सोने के एयरिंग्स पहनती है और तुम मेरे लिए चांदी के बुंदे लाए हो। ले जाओ, तुम्हारी बराबर की कोई झोपड़पट्टी वाली होगी ना तो उसको मुंह दिखाई दे देना। मैं ऐसे लोगों की भाभी कहलवाना भी अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ। सपना क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है रहीम भैया के इस घर से कितने पुराने संबंध है? ये मेरे भाई समान है। रहीम भैया और उनकी दोस्ती सारे शहर में मशहूर थी, लोग इनकी जोड़ी को कृष्णा सुदामा की जोड़ी कहते थे। चलो सपना, माफी मांग लो। मैं ऐसे लोगों को अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहने नहीं देती और आप मुझे माफी मांगने के लिए कहती हैं? माय फुट। माफ करना रहीम भैया। कोई बात नहीं भाभी, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी की इज्जत तब तक थी जब तक कृष्ण जिंदा रहे, और जब जब कृष्ण ही नहीं रहे सुदामा को कौन पूछता है भाभी? ऐसी कोई बात नहीं है रहीम भैया, सपना बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, एक दिन देखना वो खुद ही तुम्हें बुलाकर अपने हाथों से खाना खिलाएगी। ना भी खिलाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी, जब तक रहीम जिंदा है वो इस घर में आता रहेगा, अगर उस पर इस घर के दरवाजे बंद भी हो जाए तभी वो बाहर चौखट पर बैठा रहेगा भाभी, लेकिन अपनी भाभी और अपने भाइयों से रिश्ता नहीं तोड़ेगा, अपने दोस्त को दिया हुआ वादा पूरा करेगा भाभी, जरूर पूरा करेगा। अरे हे भवानी माँ, ये राम कटोरी का कटोरी माँ औलाद की भीख डाल दो, हमार मर्द को मर्द बनाए दो, दया करो ना बहन। अरे आवा भैया आवा। क्या कर रही हो बहन? अपने मियाँ के खातिर करेले का रस निकाल रहे हैं। वो घर में नहीं है क्या? नहीं, दौड़ लगाने भेजा है। फिर ये करेले का रस किसके लिए? अरे ये दंड को मजबूत करता है। अरे ये सब पुराने टोटके हो गए,
आजकल बाजार में नई अंग्रेजी दवाएं आ गई हैं। अच्छा, ऐसी दवाई मिलती है? क्या नाम है जल्दी बताओ। अरे आज ही हम खटारा भर के ले आएंगे। खटारा भर के नहीं, एक बोतल काफी है। डिस्को वीटा नाम है टॉनिक का, नया नया बाजार में आया है, हरी हर रोज पीता है। ये लो, मेरे पास एक बोतल है। पहले पहले इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जबरदस्ती पूरी बोतल गटा गट उसे पिला देना। पीते उसका सर चकराएगा, ओल पोल बकने लगेगा। लेकिन घबराना मत। सुनो, भीमा के आते ही जबरदस्ती उसके मुंह में उड़ेल देना। खाली पेट आराम से सो जाएगा। तुम भी भले सो जाना, लेकिन दरवाजा खुला रखना। काहे? हम एक बार रात को आके खुद उसे देखेंगे कि दवा का असर कितना हुआ। अच्छा अच्छा, जान छुटी इन करेलों से। आ गए? हाँ, आ गए। कितने मील दौड़ लगाए? अरे बड़ी मुश्किल से 6 मील। बस सिर्फ 6 मील? नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है 60 मील। 60 मील? चलो ठीक है, बाकी के 40 मील थोड़ी देर बाद दौड़ लेना। आए? एक खुशखबरी है। कैसन खुशखबरी? आज से करेले का रस पीना बंद। तो क्या नीम का रस पिलाओगी? वो तो उससे भी कड़वा होता है। अरे बाप रे, मर गए। अरे इतना मत निचोड़ो, फट जाएगी बनियन। ये देखो, ये का है? अरे ये है का? डिस्को बीटा। किसको पीटा? डिस्को बीटा। डिस्को बीटा? ये तो बोन बीटा का रिश्तेदार कौन लगता। अरे बहुत बढ़िया चीज है, रगड़ जाओ। नहीं नहीं, तो ससुर साकल से ही कड़वा लग रहा है। अरे पी लो ना। अरे हमें डर लग रहा है, हम नहीं पियेंगे। अच्छा एक पहली पूछे? पूछो। एक खाने में 100 खाने, हर खाने में 100 दाने, बोलो क्या? का करे तो सो जाओ ना। अरे तुम इतने मोटे कैसे हो गए? इतने लंबे कैसे हो गए? ओ भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अपनी दवा की कीमत वसूल करने आया हूँ मैं। अरे दवा की कीमत वसूल करने के लिए गीले कपड़े की तरह चिमटने की क्या जरूरत है? अरे शर्म किस बात की, आ जा। कहाँ जा रही हो तुम? अरे बताओ हम कैसे हुए हमारे पास? क्या करता है? ए जी, Oh, yeah.
किधर कोई नहीं किधर है किधर है अरे कोई नहीं बन रहा है अरे देखता दे देते हैं और भाभी कहती है मेरा देवर डॉक्टर है और देवरानी राइस घराने से आई है उन दोनों को खुश रखना चाहिए और हमारे सुख चैन के लिए वो सारा पैसा हम पर खर्च कर देती हैं घर में बच्चे हैं उनके लिए वो एक कुर्ता तक नहीं खरीद पाती क्योंकि बचता ही नहीं अब देखो ना मैंने इतना मना किया फिर भी मेरे लिए साड़ी खरीद लाए अब तुम ही बताओ ये सब देखकर मुझे कितना दुख होता होगा ना ये बात है तो पहले कह दिया था मुझे क्या मालूम है घर में क्या हो रहा है इसलिए मर्द को चाहिए कि वो हमेशा पत्नी की बात सुने अगर ये रुपए मेरे पास होंगे तो मैं सबकी जरूरतों को पूरा कर सकूंगी और इसके अलावा तुम्हारे भैया और भाभी ने सारी जिंदगी तुम लोग की सेवा की है अब मेरा ये धर्म है कि मैं उनकी सेवा करूं, उनकी जरूरतों को पूरा करूं। ये बात ठीक है भाभी को वाकई आराम की जरूरत है बहुत सेवा की है उन्होंने हमारी ठीक है तो फिर आज से तनख्वाह तुम रखना और इस घर की जिम्मेदारी आज से तुम्हारे हाथों में सपना मेरा बैगेज बांध दो ना आज रात की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जी बहुत अच्छा कम विजय क्या बात है भाभी आज पहली तारीख है हाँ तो दूध वाला बनिया का बिल राशन हाँ मैंने अपनी तनख्वाह सपना को दे दिया है वो सबको पैसे दे देगी ओह सपना हाँ जिसको जो कुछ देना है उसे मेरे पास भेज दीजिए मैं दे दूंगी हर महीना जो कुछ खर्च होता है उसके अलावा भी एक खर्च और है क्या है उन्होंने कर्ज लिया था जिसका हर महीना 100 रुपया ब्याज भरना पड़ता है देखो दीदी दूध और खाने पीने की चीजों का जो खर्च है उसे चुकाना हमारा फर्ज है क्योंकि मैं और विजय भी इसी घर में रहते हैं लेकिन उस कर्ज को जिसे तुम लोगों ने ना जाने कब लिया किस लिए लिया उसे इनकी मेहनत की कमाई से चुकाना इंसाफ नहीं है सपना जाने क्यों लिया था तुम्हारे पति ने वो कर्ज हो सकता है उनमें कुछ बुरी आदतें हों तुमने ठीक ही कहा उन्हें एक बुरी आदत थी तुम्हारे पति को डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे अपनी सेहत खराब कर ली और अपनी जिंदगी गवा बैठे भाई
कहीं मुझसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं तो सीधी सादी बात करती हूँ, घर के खाने पीने का जो खर्च है वो मैं दे दिया करूंगी। हाँ अब रहा तुम्हारा जेब खर्च, पान तंबाकू, बच्चों को बिस्किट वगैरह खिलाना, तो रख लो ये 10 रुपए। मैंने ना तो जिंदगी में कभी पान खाया और ना ही मेरे बच्चों को बिस्कुट खाने का शौक है। मैं इन रुपयों का क्या करूं? तुमने जब घर संभाल लिया है तो ये रुपये तुम ही रखो। इस महीने आपका ब्याज चुका नहीं पाऊंगा। हाँ वो तो मैं तुम्हारे आते ही समझ गया था, क्योंकि लोग यहाँ सिर्फ पैसा लेने आते हैं, पैसा लौटाने नहीं आते, बल्कि उनके पीछे भागना पड़ता है ब्याज काट के। मुझे एक महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, एक महीना और रुक जाता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मुझे नहीं रोक पाओगे ब्याज काट के। हाँ अच्छी बात है। ओह डैडी चलिए ना, मैं एक बहुत गरीब बाप की बेटी हूँ, माँ मर चुकी है, बाप एक साहूकार के यहाँ मुनीम का काम करते हैं। रवि 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 सुनो ना रवि, छोड़ दो मुझे, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। बहुत मौका दिया तुम्हें, और तुम एक्टिंग करके मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती रही। नहीं नहीं रवि, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैं तुम्हें अपनी असलियत बताते हुए डरती थी। जब मुझे पता चला कि तुम स्वर्गीय प्रेम जी के भाई हो और तुम्हारा घर मेरे पिताजी के पास गिरवी रखा हुआ है, तो मैं डर गई। तुम खुदार किस्म के आदमी हो, अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाता तो तुम मुझे और मेरे प्यार को ठुकरा देते, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारी खुददारी, भाई भाभी के लिए प्यार, उन्हें गरीबी पर दुखी ना देखते हुए हर हालत में खुश रखने की कोशिश करना, इन्हीं सब बातों ने मुझे खरीद लिया। रवि तुम्हारी कसम, तुम पिताजी के कर्जदार हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी शराफत की कर्जदार हूं। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारी भाभी के चरणों में रहने के लिए तैयार हूँ, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। I'm sorry, Sunita. वक्त और हालात ने थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया है, दौलत वालों से इतनी चोट खाई है, अब तो हर दौलत वाले से डर लगता है। सुनीता दूध का चला तो छाछ फूंक कर पीता है, लेकिन मैं वो हूं सुनीता जो छाछ से भी जल चुका है। ये निकालो। उतरो, उतरो नीचे। भिखारी की औलाद, सारा सामान अभी नया शोरूम से मंगवाया है और पहुंच गया अपने गंदे पांव लेकर उस पर खेलने। चलो यहाँ से, खबरदार जो मेरे रूम में कदम रखा या मेरी कोई चीज को हाथ लगा तो टांगे तोड़ दूंगी। चलो यहाँ से। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Krishna. क्या हुआ सुजाता? अरे क्या हुआ कृष्णा? Help yourself, whiskey भी है, beer भी है, enjoy yourself. बंद करो ये सब, इस घर में शराब कोई नहीं पिएगा। ये क्लब नहीं है, शरीफों का घर है, एक मंदिर जिसे मेरे पति ने बनाया था। उठाओ ये सामान, निकल जाओ मेरे घर से। उनकी तस्वीर, सपना कहाँ गई उनकी तस्वीर? किसने उतारी उनकी तस्वीर? मैंने उतार कर फेंक दी, वो पुरानी और गंदी तस्वीर जिसकी वजह से घर में हमेशा मातम सा छाया रहता था। जिंदों के घर में मुर्दों की तस्वीर की क्या जरूरत? इस नई तस्वीर को देखो, इससे घर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कहाँ फेंक दी तुमने उनकी तस्वीर? सपना कहाँ फेंक दी तुमने उनकी तस्वीर? बाहर कचरे के डिब्बे में। क्या कचरे? मेरी देवता की तस्वीर कचरे में? Oh.
अच्छा बेटी मैं चलता हूँ, बड़ी वो हो रही है मुझे, जरूरी उसमें जाना है, देर हो रही है, एक मीटिंग में जाना है। अच्छा डैडी। मगर कल वो है उसमें आ जाना, कल होली है घर पे आ जाना। बम 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 बाबी हो गई बड़ी खराबी, बम 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 बाबी हो गई बड़ी खराबी, बम बम बाबी हो गई बड़ी खराबी, किसी के अकल के ताले की, किसी के अकल के ताले की खो गई है चाबी, बम 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 बाबी हो गई बड़ी खराबी, बम बम बाबी हो गई बड़ी खराबी, किसी के अकल के ताले की खो गई है चाबी, बम 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 बाबी हो गई बड़ी खराबी, बम बम बाबी हो गई बड़ी खराबी। में सोडा है किसी के हाथ में बोतल, किसी के हैंड में सोडा है किसी के हैंड में बोतल, ये घर पहले मंदिर था, ओ, 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 ओ ये घर पहले मंदिर था, अब बन गया है होटल, होटल में भी देखी नहीं ऐसी ऐसी बेहिजाबी, बम 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 बाबी हो गई बड़ी खराबी, बम बम बाबी हो गई बड़ी खराबी। हमने तो ये सोचा
ये सब क्या है सपना? हमारी खुशियों का जनाजा। क्या मतलब? पिताजी ने घर की सजावट के लिए कुछ सामान भेजा था, क्योंकि तुम डॉक्टर हो, तुमसे हजारों लोग मिलने आते हैं, इसलिए तुम्हारी इज्जत बनी रहे। लेकिन रवि को पसंद नहीं आया, उसने और उसके कुछ बदमाश दोस्तों ने मिलकर सब सामान तोड़ दिया। और तुम इस घर को मंदिर कह रहे थे ना? अब यह मंदिर मंदिर नहीं रहा, यहां ऐसी ऐसी पाप की हरकतें होती हैं कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं जमीन में गड़ी जा रही हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या होता है यहां? मुझे एक आध बार शक हुआ था कि रात को कोई मकान में छुपकर आता है। कल रात को मैं तिलकटी बैठी थी अपनी किस्मत को रोते हुए, मैंने देखा रहीम शराब पीकर चुपके से दबे पांव आया और आहिस्ता से लक्ष्मी दीदी के कमरे में घुस गया। खबरदार, जो दोबारा ऐसे गंदे लफ्ज मेरी भाभी के लिए इस्तेमाल किया तो ये बात है। तो आप देखो अपनी आंखों से, तुम्हारी भाभी कितनी महान है, कितनी पवित्र है। देखो अपनी आंखों से देख लो, रात के अंधेरे में इस घर में कैसे कैसे पाप होते हैं। पाप? नहीं नहीं छोड़ी भाभी, नहीं, मैं इस घर में कैसे आ गया? बहुत अच्छे, हमसे क्या पूछते हो? दिन में सती सावित्री को ढोंग करने वाली ने बुलाया था, उससे पूछो। छोटी भाभी, आंख किसको दिखाते हो? एक तो पाप करते हो, ऊपर से आंख दिखाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी उम्र हो गई, इस घर में रहने वाले बच्चों का भी ख्याल नहीं? अरे तुम दोनों को पाप ही करना है तो बाहर जाके मुंह काला करो, यहाँ क्यों करते हो? क्या बात है सपना, सुबह सुबह इतना शोर कैसा? वाह आगे सती सावित्री, अरे छोड़ो मुझे क्यों पकड़ते हो? पता नहीं कब से मासूम और भोलेपन का ढोंग रचा रचा कर सबको बेवकूफ बनाती आ रही है ये, जाने कब से भाई बहन के नाम पर पाप करके आए हैं इस घर में। ठहरो सपना, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या पूछती हो, अपने देवर से पूछो जिसने तुम्हारे सफेद दामन पर लगे हुए दागों को पहली बार देखा है, जब तुम्हारा ये रहीम चुपके से तुम्हारे कमरे से बाहर निकल रहा था चोरों की तरह। क्या रहीम भाई मेरे कमरे से निकल रहे थे? रहीम भाई? नहीं भाभी, नहीं, तुम इस तरह मत देखो मेरी तरफ। खुदा की कसम मैं बिल्कुल नहीं जानता मैं यहाँ कैसे आया, अगर मैं जरा भी जानता हूं तो खुदा मुझे कोड़ी बना दे, मेरे रोम रोम में नासूर भर दे और मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं। भाभी रात तुमने शराब पी थी? नहीं भाभी, कसम से मैं। देखो देखो कैसे झूठ बोल रहा है, शराब के भपके तो यहाँ तक आ रहे हैं। रहीम भाई सारी जिंदगी मैं तुम्हें शराब पीने से मना करती आई और आज तुमने शराब पीकर मेरी आंचल में दाग लगाना चाहा। जब तक वो जिंदा थे तुमने कभी शराब पीकर इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखा और आज मेरे कमरे के भीतर चले आए क्योंकि मैं बेसहारा हो गई, मेरा सुहाग गुजर गया, इसीलिए तुमने ऐसा किया। बस करो भाभी बस करो, तुम्हारे पैरों की कसम भाभी मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, मैंने जब भी आपको देखा अपनी माँ समझा भाभी, अपनी माँ समझा।
अरे कौन दलील कमीना बेटा होगा जो अपनी माँ को बदनाम करेगा? अरे एक तवायफ का बेटा भी अपनी माँ को तवायफ नहीं कहता, समझी? अरे ये तो एक पाक दामन औरत है, जो भी इसके कदमों में बैठ जाए उसकी सारी जिंदगी के गुनाह धुल जाते हैं। विजय, विजय, कसूरवार मैं हूं, कसूरवार मैं हूं, मुझे मारो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरी भाभी को, मेरी माँ को बदनाम मत करो। भाभी, भाभी, मेरे साथ कुछ धोखा हुआ है, मेरे साथ कुछ चाल चली गई है। भाभी तुम मेरी माँ जैसी हो, मेरी बहन जैसी हो। बहन जैसी है? बहन तो नहीं है ना, यही बहन जैसी माँ जैसी कहकर तुमने इतने बरस गुजार दिए इस घर में, लेकिन अब तुम्हारे पापा का घर अच्छा लग गया है। अब तुम लाख शब्दों की चादर डालकर अपने पाप को छुपाने की कोशिश करो तो भी छुपने वाले नहीं, समझे? वाह वाह वाह, कैसे पाप करने के बाद शराफत का नाटक दिखा के चला गया। विजय, अब अगर हम एक पल भी यहाँ रहेंगे तो शहर के लोग आकर हमारे मुंह पे थूकेंगे। चलो यहाँ से। नहीं सपना, चलो ना। सपना रुक जाओ। विजय, अपनी भाभी के माथे पर कलंक लगाकर इस तरह तुम लोग बच जाओ, मैं आधी मर चुकी हूँ। विजय, इस अधमरी को बदनामी की मौत मत मारो। मैं उनकी कसम खा कर कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? बोलो विजय, मैं यकीन दिलाने के लिए क्या करूँ? हाग में कूद जाऊं, हंसी लगा लूं? बोलो विजय, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? बोलो। हमारे स्वर्गीय भाई ने हमें बाप की तरह पाला, हमने हमेशा तुम्हें माँ समझा। भाभी सिर्फ जबान से कहते थे मगर दिल में माँ की जगह दे रखी थी, लेकिन आज आज वो दिल टूट गया है, उस जगह से तुम गिर चुकी हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि ना तुम हमें जाने से रोको और ना ही मैं अपनी जबान पर गंदे शब्द दोहराऊं। चलो। विजय, विजय। क्या हुआ भैया? हमसे क्या पूछते हो, जाकर अपनी देवी जैसी भाभी से पूछो। चलो विजय। मुझसे ये बदनामी का दाग लेकर जिया नहीं जाएगा रवि। नहीं रवि, छोड़ दो रवि। नहीं भाभी, नहीं, तुम हमें छोड़कर जा नहीं सकती। तू इस तरह छोड़ के चली गई तो तेरे इस बेटे का क्या होगा? बोल, तेरे सिवा मेरा है कौन? बोल। राम जी ने भी सीता पर शक किया था, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए फिर तो मैं ही तो थी। लक्ष्मण भी तेरे साथ है और जिंदगी भर साथ रहेगा मां। रवि, अभी इसकी औलाद चल, तू के बच्चे, मुझे मालूम है तू इस साजिश की जड़। तूने मेरी भाभी को बदनाम किया है, तूने मेरी भाभी को बदनाम किया है। चल चल सुवर, चल रवि, सुवर नहीं छोड़ूंगा। भाभी के चमचे, ये क्या किया? आइए आइए आइए, दिए के घर सूरज चल कर आए हैं, नदी को मिलने समंदर चले आ रहे हैं। वाह वाह वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ प्याज काट के? अरे काय का समंदर, इस समंदर की इज्जत का पानी तो मेरे रिश्तेदारों के पाप ने भाप बना के उड़ा दिया। अब तो मैं दुनिया को वो दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या मुंह? छी 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 छी, क्या बोले सेठ जी, दुनिया की आंखों का तो पानी मर गया है। घर में खाने पीने को नहीं है इसलिए आंख का पानी बेच के पी जाते हैं। खैर, तुम्हारे पास उनका वो है ना, मैं वो देके वो लेने आया हूँ। जी जी जी,
मेरा मतलब है तुम्हारे पास लक्ष्मी के घर के कागजात है ना, तो पैसे देकर मैं वो लेने आया हूँ। ये लो, वो लो, समझ गया ना? समझ गया, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। ये लीजिए साहब। क्या बात है? बात यह है कि तुम्हारा मकान जो साहूकार के पास गिरवी था, उसका कागज पेपर सेठ धर्मदास ने खरीद लिया है। अब तुम्हें उसके सूद का पैसा सेठ जी को देना पड़ेगा। आप कौन? वही पैसा लेने के लिए तुम्हारी चौकट पे खड़ा है। लेकिन मैं एक बात और सुन लो, सूद की रकम सेठ धर्मदास ने थोड़ी सी बढ़ा दी है, 500 रुपया कर दिए। 500? हाँ हाँ 500, और जल्दी से निकालो, आप को और भी बहुत सारा काम है। लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। मोहलत वोहलत गए तेल बेचना है, जल्दी से 500 रुपए निकालो। पैसा नहीं है तो अपन ये पंखा ही ले जाता है, जितने में बिकेगा उसका सूद काट लेगा। नहीं नहीं, इसे मत ले जाइए, ये उनकी निशानी है। वाह 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 वाह, उनकी निशानियां तो बहुत ज्यादा जमा करती हो, लेकिन जो वो कर्ज की निशानियां छोड़ गया ना, जरा उसे भी मिटाने की कोशिश करो ना। पता नहीं कौन से जमाने का मॉडल है, चलता वलता है कि नहीं। आउच! ये पंखा है कि बिजली घर है? साला ऐसा झटका मारता है कि हाथी भी मर जाए। ठीक है ठीक है, आपन तुमको 3 दिन का मोहलत और देता है, नहीं तो आपन ये पंखा नहीं नहीं ये पंखा नहीं लेके जाएगा, घर का और सामान लेके जाएगा। Do you understand? जी, इस दुकान की सबसे महंगी वो दिखाओ साड़ी, इसे जानती हो? ये डॉक्टर विजय की पत्नी और मेरी बेटी है। इसकी वो दिखाओ, मतलब इसके लेवल की साड़ी दिखाओ। ये इसे तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती डैडी। और महंगी, ये भी अच्छी नहीं है डैडी। लगता है इस दुकान में तुम्हारे जैसे मामूली गरीब लोगों के लेवल की साड़ियां हैं, अच्छी नहीं है। लगता है नौकर लोगों का डिपार्टमेंट है। वहाँ अच्छी है, वहाँ चलते हैं डैडी। सुनिए जरा वो साड़ी दिखाइए। है ये तो मामूली और घटिया लोगों के लिए ठीक है, तुम्हारी बीवी के लिए चाहिए, तुमसे कह रहा हूँ। दे दो, पगार में से कटेगा। ठीक है डैडी, मेरे पास। तुम्हारे उसमें था ना हाथ में, तुम्हारा हाथ दिखाओ। दूसरा किधर है? ये क्या है? शायद वहाँ होगा, वहाँ होगा। हाँ चलो, ये रहा पर्स डैडी। हाँ देखो, मगर डैडी इसमें तो रुपए नहीं है। क्या बात कर रही हो, रुपए कहाँ जा सकते हैं? क्या वो सब क्या बात है? इसके उसमें वो नहीं है, पैसे गायब हो गए। जी कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए? क्या बात कर रहे हैं साहब, यहाँ हजारों लोग आते हैं, अपनी चीजें भूल जाते हैं, हम उनके घर भिजवा देते हैं। मगर साहब आपकी तरह वो तो नहीं होते ना ईमानदार, यहाँ कुछ चोर भी होंगे। सुनो, तुमने वो तो नहीं कर लिए, निकाल तो नहीं लिए? कैसी बातें करते हैं आप, मैं क्या कुछ चोर लगती हूँ? अब मुझे क्या मालूम, जब से हम बाप बेटी हैं, ये है तुम हो, पांचवा तो कोई आया नहीं। भाई आप पूछे, मुझे नहीं मालूम। लक्ष्मी सच बताओ, तुमने तो नहीं लिए? बाबूजी मुझे अपने बच्चे की कसम, मैंने कोई रुपया देखा ही नहीं। चोरी करने वाले कभी सच बोलते हैं? चोली के अंदर या कमर में ठोस कर रखा होगा इसने, तलाशी लो इसकी। क्यों सपना, क्यों मेरी बेइज्जती करा रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आपने दुकान इसलिए खोली है कि आपके नौकर ग्राहकों से बदतमीजी से पेश आए? आप मेरे रुपए तलाश कीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं पता लगाता हूँ। कमला, शशि। यस सर। लक्ष्मी को कमरे में ले जाओ, उसकी तलाशी लो। बाबूजी मुझ पर दया कीजिए सपना, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ सपना, मैंने चोरी नहीं की सपना। अरे कमला तुम तो मुझे जानती हो, मुझ पर दया करो, मैंने चोरी नहीं की। सुनो भाई ये तो बड़ा वो हो रहा है, हम इसके लिए आए और यहाँ वो हो गया। अब इतने बड़े इसमें कोई किसी का वो कर ही नहीं सकता क्या? भरोसा भरोसा। सर इसके पास तो कोई रुपया नहीं मिला। नहीं मिला तो यही कहीं छुपा रखा होगा, जरा यहाँ ढूंढो। हाँ देखो, हाँ
ये रहने। पर ये यहाँ कैसे आया? जैसे उस रात रहीम तुम्हारे कमरे में आ गया था, चोर कहीं की। लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों पर तरस खा के तुम्हें यहाँ नौकरी दी, तुमने उसका ये सिला दिया। अरे ये छोटे और नीच लोग ऐसे ही होते हैं, जिस घर का नमक खाते हैं उस घर को नमक की दीवार की तरह गिरा देते हैं। इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, इनको वो करके निकाल देना चाहिए, धक्के देकर। लक्ष्मी तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, कोई मर्द होता तो उसको पुलिस के हवाले कर देता। जाओ यहां से, जाओ, चली जाओ। मैं शर्मिंदा हूं। क्यों डैडी, दुश्मनों से बदला ठीक ले रहे हो ना? बहुत खूब, चल। लक्ष्मी जी, रवि नाम का आपका एक ड्राइवर था, उसे मरे हुए कितने दिन हुए? ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकाल रवि। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रवि को अपनी माँ की यह हालत देखकर मर जाना चाहिए? ऐसी बातें मत कर। क्यों ना करूं, मैं दुनिया का रवैया देखकर पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे कहा था अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो भैया तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम बाहर जाकर ईमानदारी से काम करोगी, लोग तुम्हें बदनाम करेंगे, और ये देखकर मैं चुप रहूंगा तो क्या भैया मुझे माफ करेंगे? बोलो। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, यही तुम्हारे भैया की आखिरी तमन्ना थी। और इस तमन्ना को पूरी करते करते तुम मोमबत्ती की तरह जल जल कर पिघल कर खत्म हो जाओ और मैं देखता रहूं। नहीं भाभी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसे ही तो मैं पिता समान भाई को खो बैठा हूं, मैं तुमको खोना नहीं चाहता भाभी, मैं तुमको खोना नहीं चाहता। तुम चाहती हो ना कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं? हाँ। मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई के साथ साथ कोई छोटा मोटा काम भी करूंगा। मगर अभी मगर कुछ नहीं भाभी, ऊपर वालों ने मुझे 6 आदमियों का दिमाग और 12 आदमियों की ताकत दी है। कसम तुम्हारी भाभी, अगर तुमने कसम ना दी होती ना तो मैं साले उस सेठ के बच्चे को एक ही पंच मार के उसका चेहरा बिगाड़ देता। नहीं रवि, तू ऐसे कभी नहीं करेगा। नहीं करूंगा, अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो। बोलो हाँ या ना। टैक्सी 7 एवेन्यू जाना है। बैठिए। 7 एवेन्यू जल्दी। अपन का नाम तुम नहीं, शेरा है शेरा मैडम। क्या बात है? मान ली है, आप उनके खीजे में कड़की छाई हुई है। ये कर्ज देने की जगह नहीं है। रुपया देने की जगह तो है मैडम, और अपन इसी जगह से रुपया हासिल करके जाएगा बेबी। तुम रोज रोज मुझे डराकर कब तक पैसे एकते रहोगे? तुमने जो छोटा सा काम किया था उसकी कीमत मैं तुम्हें कब की दे चुकी हूँ। अच्छा जी, तो वो छोटा सा काम था? और नहीं तो क्या, बड़ा काम था मैडम। इस छोटे से काम के बदले तुम अपने पति को लेकर अपने घर आ गई, अपने पति को तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया। भाभी का घर इस कैरम बोर्ड की तरह था, जिसका सारा परिवार इन गोटियों की तरह सजा हुआ था। तुम स्ट्राइकर बनकर इस घर में आए और सारे परिवार को बिखेर कर चली गई। भाभी के घर में आग लगा दी, भाभी का एक ही एक सहारा था, तुम उसे भी छीन कर ले आए, और आज वो घर भूख और कर्ज की आग में जल रहा है। मैडम ये तो शुक्र करो कि अपन थोड़ा सा रुपया लेकर अपना मुंह बंद कर लेता है, वरना अपन के पास तुम्हारे और तुम्हारे बाप के खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद है। मैडम तुम बोलो तो अपन ये सारी बातें तुम्हारे पति को बता देता है? नहीं नहीं, तुम यही ठहरो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अरे लगता है ये आ गए, अब क्या होगा? तुम उस कमरे में चले जाओ ना, प्लीज। जल्दी करना, आप उनके पास टाइम नहीं है। नमस्ते भाभी। तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया घर में हैं। भैया हॉस्पिटल में है,
उनसे मिलना है तो वहीं जाकर मिलो। लेकिन अंदर से तो किसी मर्द की आवाज आ रही थी। वो रेडियो पर नाटक हो रहा था। ओ, रेडियो पर नाटक हो रहा था। हाँ। लेकिन बीच में तो तुम्हारी आवाज आ रही थी, तुमने भी नाटक में हिस्सा लिया था क्या? हाँ? हो सकता है, क्योंकि नाटक करने का शौक तुम्हारा पुराना है। इधर कहाँ जा रहे हो? काफी अंधेरा है, पर्दे खोल देते हैं। नहीं नहीं, मुझे अंधेरा पसंद है। कमाल है, तुम्हें विजय से मिलना है ना, तो जाकर हॉस्पिटल में मिलो। अब मैं इतनी धूम में बाहर कहाँ जाऊंगा, कोई काम भी है नहीं, यही बैठकर इंतजार करता हूँ। अरे जाना, मुझे तो काम है। एक काम करो, तुम उस कमरे में जाकर काम करो और मैं इधर बैठता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ मत जाओ। क्यों, अंदर कोई खास चीज छुपा कर रखी है? लगता है भैया आ गए। अरे रवि, तुम कब आए? कुछ ही देर हुई भैया। ये बाहर जो टैक्सी खड़ी है उसमें आए हो? उसमें आया नहीं, वो टैक्सी मैं चलाता हूँ। पढ़ाई छोड़ दी है क्या? कुछ नहीं छोड़ा भैया, ना पढ़ाई, ना घर, ना भाभी और ना शराफत। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, भाभी को बंद पर्दे बहुत अच्छे लगते हैं, अक्सर पर्दे खुल जाने से राज खुल जाया करते हैं। मैं अभी आया तो यह नाटक चल रहा था भैया। नाटक यहाँ? मेरा मतलब, रेडियो में एक देवर भाभी से कहता है, जो लोग आग से खेलते हैं वो अपना हाथ पैर जला लेते हैं, मगर तुम जिस आग से खेल रही हो वो तुम्हारा सब कुछ एक दिन इस तरह जला देगी कि राख भी नहीं बचेगी। आपको शायद मालूम नहीं है, उस रात हमारे घर में जो गंदा नाटक खेला गया था वो किसने लिखा था, किसने खेला था, उसका मुझे कुछ कुछ पता चल गया है। और अगर आप सच्चाई पर विश्वास करते हैं, नए लोगों से मिलकर पुराने को नहीं भूल गए, तो आपको भी सुनकर शायद दुख होगा कि उसी रात रहीम भाई ने खुदकुशी कर ली और मरते वक्त अपने खून से एक जुमला लिखकर गए थे, भाभी मेरी मां। विजय, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ इतना याद रखो उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था। हो सकता है रहीम दूसरे दिन लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा होगा, शर्म के मारे खुदकुशी कर ली होगी, उसके बाद किसी ने उसके खून से ये जुमला लिख दिया होगा, भाभी मेरी माँ, या हो सकता है लक्ष्मी दीदी ने खुद लिखा हो। चलो तुम मेरे साथ चलो। तो उसकी इतनी वो बढ़ गई रवि की वो हिम्मत कि हम दोनों पर वो कर रहा है, शक? अरे वो है क्या चीज, मेरे इसकी वो चूती? नहीं नहीं, वो धूल। मैंने भी कोर्ट के कागजात मंगा लिए हैं, अगर उनका मंदिर नीलाम करके उनका वो नहीं कर दिया तो मेरा भी वो नहीं। हाजरीन, देवियों और सज्जनों, मशहूर मजदूर लीडर प्रेम कुमार के घर का नीलाम हो रहा है। ये लीडर का घर है, इज्जत का घर है, खूब बल बल कर बोली बोलिए और इज्जत खरीदिए और सस्ते दामों में पुराना मजबूत मकान खरीदिए, बोली बोलिए। 25,000, 25,000, 25,000, 50,000, शाबाश 50,000, आगे बोलिए 75,000, आगे बोलिए 1,00,000, 1,00,000, आगे बोलिए 1,25,000, 1,25,000, आगे बोलिए 1,30,000, 1,30,000, 1,00,000। नहीं सेठ जी, भगवान के लिए ऐसे जुल्म मत कीजिए, इसे नीलाम मत कीजिए, ये घर सिर्फ मेरा ही नहीं आपकी बेटी का भी है। मेरी बेटी की तबीयत यहाँ वो हो जाती है खराब, इसीलिए इस घर का नीलाम करवाना बहुत जरूरी है। न मेरी बेटी यहाँ रहेगी, न उसके वो यहाँ रहेंगे रिश्तेदार, और न उनकी वो ये होगी तबीयत खराब। नहीं सेठ जी, ये मेरे पति की निशानी है, इसे मत नीलाम कीजिए। अरे इसे तो जरूर वो करवाऊंगा, तुम्हारा पति मेरा बहुत पुराना वो था दुश्मन, और मरे हुए दुश्मन के घर को वो कराना, नीलाम कराने से उसके वो को वो मिलती है, आत्मा को शांति। अब भूल गई, उस दिन मुझे कैसे वो किया था दलील, मुझे वो करके निकाला था कि मैं क्या धक्के देकर, जब तक मैं इसका वो नहीं करता मेरे उसमें वो नहीं पड़ेगी। कलेजे में ठंडा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देवी का सर कभी शैतान के चरणों में नहीं झुकता। क्या देवी है, कपड़े के दुकान में काम करते टाइम लोगों का वो चुरा लेती है बटवा, और ऐसी औरत देवी कैसे हो सकती है जो वो करती है और जिसका वो गिरा हो, क्या कहते हैं, पाप करती है और चरित्र में गिरा हुआ है। देवी, छोड़ दे रवि, रवि, मैं कहती हूँ छोड़ दे रवि, रवि। ढाई लाख, 3,00,000, 3,00,000, और कोई है? 3,00,000,
3,02,00,003,03,00,0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 03,00
छोटी सी इसमें बहुत वो कमा लिया, मतलब छोटी सी उम्र में बहुत पैसा कमा लिया है। जी मैंने नहीं कमाया, मेरे पिताजी ने इसे गलत रास्ते से कमाया है और आज मैं इसे सही रास्ते पर लगा रही हूँ। तो तुम्हारे वो इसमें नहीं है, मतलब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है? भगवान ना करे, बिल्कुल इसी दुनिया में है और बल्कि यही है वो रहे। हैं? ये? हाँ। साहू? अरे साहू, ये तो मैंने तुमसे वो किया था, मकान तुमसे खरीदा था, तुम इसका क्या करोगे? मैं इस घर के कागजात को एक पापी की तरफ से एक छोटी सी भेंट समझकर लक्ष्मी देवी के चरणों में रख दूंगा। हैं? क्या वो कर रहे हो, मैं बकवास? मैं बकवास नहीं कर रहा सेठ धरमदास, ठीक कह रहा हूं। पहले मैं ब्याज काट के पापिया करता था, आज मैं ब्याज माफ करके इन सबसे क्षमा मांगने आया हूं। अरे इसमें हो या वो चढ़ा रखी है? पहले चढ़ा रखी थी सेठ, अब होश में आ गया। सेठ धरमदास, आदमी इस दुनिया में पैसा कमाता है अपनी औलाद के भविष्य को सुखी बनाने के लिए। लानत है ऐसी दौलत पर जिससे इंसान अपनी जिद तो पूरी कर लेता है लेकिन अपनी औलाद का घर चला कर रख देता है। तुमने ये घर नीलाम नहीं किया सेठ, अपनी बेटी के भविष्य को नीलाम कर दिया है। लगता है इनका वो तुम्हारे ऊपर असर कर रहा है जहर। हाँ। अगर सच्चाई तुम्हारी नजरों में जहर है तो मैं और तुम वाकई ही बहुत बदकिस्मत है जो आज तक जहर से बचे रहे। ये वो जहर है सेठ जिस पर अमृत को भी कुर्बान किया जा सकता है। देखो मेरी औलाद ने तुझे सच्चाई का जहर पिलाकर यूं समझ लो मुझे एक नया जन्म दे दिया है। तुम भी पी लो, तुम्हारे दिमाग से भी जहर के पार निकल जाएगा। दो कौड़ी के कफन चोर, सूद खोर, ब्याज खोर, तेरी इतनी हिम्मत के तू मुझे वो दे रहा है नसीहत? ये लीजिए डैडी। लक्ष्मी देवी, सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है लेकिन जो भी इस रास्ते पर चलता है जीत हमेशा उसी की होती है। आज से आप लोगों की जीत शुरू हो गई है, इसे रख लो बेटी, इसे रख लो। मंदिर नीलाम नहीं हुआ करते वरना सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मेरी बेटी को अगर इस सच्चाई के मंदिर में पुजारी की जगह मिल जाएगी तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। सपना, गाड़ी रोक रवि, गाड़ी रोक। रवि क्या हुआ? वो देख, सपना शेरा के घर क्यों जा रही है? हमसे तो रिश्ता तोड़ चुकी है, अब वो शेरा के घर में जाए या शेर के पिंजरे में, हमें क्या लेना देना? क्या बेहुदा बातें करता है, सपना हमारी बहू है, एक गैर मर्द के घर कैसे जा सकती है? तू जरा जाकर तो देख। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है मैं ही जाती हूँ। भाभी तुम कहती है तो जाता हूँ। सुनकर आपको उनका बहुत दुख हुआ मैडम, नीलामी की बोली बोल कर प्रेम का मकान खरीदने गए थे, नीलामी का मकान मिलने की बजाय तुम्हारी इज्जत की नीलामी हो गई। वो साहूकार ना जाने बीच में कहां से टपक पड़ा। अब बोलो आप उनके लिए क्या हुक्म है? ये 20,000 है, बाकी के 30,000 जब तुम काम पूरा कर लोगे तब। नाम? रवि। इस तरह किसी शरीफ आदमी के घर में घुस आने का मतलब हमारे घर की इज्जत तुम्हारी गंदी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई है, उसे ले जाने आया हूं। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? मैं कोई तुम्हारी भाभी नहीं जो छुप छुप कर अपनी इज्जत का सौदा करती है। भाभी? सपना पढ़ी लिखी है, अपनी इज्जत को समझती है और उसकी रखवाली करना भी अच्छी तरह जानती है। एक बात और सुन लो, सपना अब तुम्हारे घर की इज्जत नहीं बल्कि तुम्हारे घर की नफरत बनकर रह गई है। कभी भूल कर भी उसका नाम मत लेना। Now get out! I say get lost! शेरा, तुम मर्द हो या क्या हो, वो शिकार खुद तुम्हारे सामने चलकर आया और तुमने उसे जाने दिया। इससे अच्छा मौका तुम्हें और क्या मिल सकता था? मौका तो बहुत मिलेगा लेकिन आज जो मौका मिला है वो दोबारा कभी शेरा को नहीं मिलेगा। कैसा मौका? देखो डार्लिंग, तमीज से बात करो। शेरा से दोस्ती करते वक्त तमीज, कमीज और इज्जत घर पे छोड़ के आया करो। आज तक तुम्हारे बाप ने शेरा से हर काम पैसा देकर करवाया है लेकिन आज शेरा की फीस कुछ बढ़ गई है। और क्या चाहिए तुम्हें? अगर दरवाजा बंद
और खूबसूरत औरत जवान मर्द के साथ बिल्कुल अकेली कमरे के अंदर हो तो उस मौके को क्या कहेंगे? दोबारा बोलो। ये तो सपना के चिल्लाने की आवाज है। हाँ चल। वो मदद के लिए चिल्ला रही है रवि। भाभी ये उसकी चाल भी हो सकती है। तुझे मेरी सर की कसम। हर बात पे कसम मत दिया करो। एक बार जाकर तो देख। ये सब क्या हो गया सपना? डसने के बाद अब माफी मांग रही। उस बसे बसाए घर को तिनकों की तरह बिखेर दिया और रहीम भाई को मौत की नींद सुनाकर अब माफी मांग रही है। नीचे, नीचे, नीच, कमीनी, उठ, उठ। नीचे, नहीं भाभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा भाभी। नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे, रुक जाओ। मुझे माफ कर दो भाभी। मुझे माफ कर दो। तुम्हें गलत समझा भाभी। मुझे माफ कर। पीछे दो सांपों का मुंह तो अपन कुचल चुका है लेकिन जो सबसे ज्यादा जहरीला है यानी कि तू अभी तक बाकी है। Thank you.
इस गुंडे को, ऐसी फांसी लगवाना कि दूसरा जन्म नहीं ले सके। चलाओ चलाओ। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, एक गुनहगार को आप छोड़कर जा रहे हैं, जितने जुर्म गुनाह इसने किए हैं उन तमाम के पीछे मेरा हाथ था और मैं अपने हाथ कानून के हवाले करता हूं। एक मिनट, आप जैसे लोग जिस घर में रहते हैं वो घर सचमुच का एक मंदिर होता है, और जो शख्स मंदिर तोड़ने की कोशिश करता वो मंदिर तो नहीं तोड़ सकता, अपने तकदीर के पैरों पर कुल्हाड़ी जरूर मार लेता है, वही हमने मार ली। आइए। वाह वाह वाह, आज तो प्रेम बाबू की आत्मा को शांति मिल गई होगी, ये मंदिर जैसा घर फिर से आबाद हो गया और मजदूरों को अपना हक भी मिल गया ब्याज छोड़ के। और ये देखो, करेले का रस पी पी के हम करेले का औलाद पैदा किया है।